हेलो वी हेलो 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 हल्लो आई होप यूर ऑल डूइंग वंडरफुल येस वी कैसे हैं आप लोग कैसे हैं आप लोग आप सबसे मेरी अपेक्षा के आल बी स्टार्टिंग इन टू मिनट्स वंस एवरी वन ज्वाइन इन सो अपटिल देन वॉट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट टेक योर वाटर बॉटल एंड दैट्स इट और कुछ भी लेने की आपने आवश्यकता नहीं है ठीक है हेलो 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 पीपल आई होप यूर ऑल डूइंग वंडरफुल वेरी गुड इवनिंग एकदम अरे एकदम तूफान कर देंगे हम लोग ओके यस 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 श्रद्धा आफ्टर लॉन्ग टाइम मीटिंग एट नाइन हेलो 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 पीपल चलिए पीपल आई होप आप सब लोग मजे में हैं ठीक है सो हैप यूर ऑल रेडी टू गेट डन विथ रीड के जो एक खौफ है अननेसेरी का वो भी खत्म कर लेंगे हम लोग यस 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 पीपल चलिए चलो यार आप लोग पूछ रहे कब तक चलेगा आई डोंट नो आई डोंट थिंक कि बुक भी बहुत ऐसा कुछ लंबा मतलब आई डोंट नो यार आई कैन नॉट एक्चुअली कि कितने समय तक चलेगा मेरी अपेक्षा है कुछ वन एंड आ फर टू आवर्स ऐसी मेरी अपेक्षा है ओके okay? चलो शेल वी स्टार्ट पीपल शेल वी स्टार्ट अरे गोपाल नहीं 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 कदम, बस 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 आग लगा देंगे चलिए यार मुझे कोई टाइम के लिए कुछ नहीं बोलेगा मेरी अपेक्षा है वो अपेक्षाएं ऊपर नीचे हो सकती है ठीक है यस यस दैट्स द स्पिरिट इज आशीष आपके ऐसा होना चाहिए सबने सर सब जब तक लेना है ले लो चलो खैर मैं समझता हूं प्रोफेशनल के बच्चों का अभी आपका पूरा फोकस सेल्फ स्टडी पे होना चाहिए बट ये कुछ जो मेरी तरफ से शाम को ऐसे आपको हिट मिलते रहेंगे डेली ताकि आप लोग दिन भर जी जान से पढ़ाई करो दिन भर जी जान से, से करो, और शाम को हम लोग मिलेंगे और ये कुछ खास टॉपिक्स से उनको हम रैपअप कर लेंगे ओके चलिए यस 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 थैंक यू सो मच राहत सेशन इज ऑफकोर्स फॉर सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स वी कन टू रिवाइज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चलो यार कुछ चीजें शुरुआत में आपको क्लियर कर दूं ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो सबसे पहली चीज वही कि सेशन सी एस प्रोफेशनल के बच्चों का प्रोफेशनल के बच्चों का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंडिंग का जो सेशन है वो हम ले रहे हैं अभी फंडिंग के अंदर मैं आपको एक आइडिया पहले ही दे चुका हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स किस सीक्वेंस में लेने वाला हूं तो आज पहला दिन है जिसके अंदर मैं लेने वाला हूं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आंचल अभी बात नहीं कर पाऊंगा इस बारे में चलो कुछ रूल्स बता देता हूं सो सब लोगों का क्या टाइम वेस्ट नहीं होगा अभी फंडिंग, yes, चलिए। पलक अमेंडमेंट्स वगैरह सारे पहले ही कवर कर चुके हम लोग चलो कथ एकदम सिंपल तरीके से कुछ रूल्स है आप सबका समय बिल्कुल वेस्ट ना हो हम लोग एक तो हम स्ट्रक्चर तरीके से ईमानदारी इमांदा, से पढ़ाई कर सके रूल्स क्या सुनो मेरी बात को तीन मेजर रूल्स जिनका आपको ध्यान रखना है सबसे पहला रूल आपने कोई भी बुक लेके नहीं बैठना है सबसे पहला रूल क्लियर है कि कुछ भी लेके नहीं बैठना है ना मेरे रेगुलर बुक लेके बैठना है ना मॉड्यूल लेके बैठना है कुछ भी नहीं रीड को लेके जो आपको आस्पेक्ट कंफ्यूज कर देते हैं जिसके अंदर मतलब मैंने प्लान बनाया किस तरह से मैं आपका पूरा का पूरा रिविजन करवाने वाला हूं रीड का तो उसके अंदर जो एस्पेक्ट्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कर सकते हैं उन्हीं पूरे एस्पेक्ट्स को मैं क्रिस्टल क्लियर करके जाऊंगा तो आपने फिर क्या करना है कल सुबह उठ के या फिर जो रात रात को को पढ़ते हैं बैठ के फिर आपने अपने नोट से मेरे नोट से मॉड्यूल से जहां से पढ़ना चाहे फिर आप पूरा का पूरा रीड पढ़ के रैपअप कर सकते हैं क्लियर हम लोग तो ड्यूरिंग द लेक्चर आपके हाथ में कोई भी बुक नहीं होनी चाहिए उससे होता क्या है अब देखो मैं आपके घर में घुस के तो देखूंगा नहीं देखो देखो बुक लेके बैठा है उससे होता है ये कि मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप वहां पर कहीं और चले जाते हैं तो पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा मैं आपका बहुत कम समय लूंगा बट जो समय मैं ले रहा हूं ये मुझे पूरा एक्सक्लूसिव चाहिए ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा क्लियर है तो मैं चाहता हूं कि अगला जो भी आप आप मेरे साथ में से आर, तो एक्सक्लूसिवली सिर्फ मुझे देखेंगे क्लियर है तो कोई भी बुक वगैरह आपके सामने होनी नहीं चाहिए पहली चीज क्लियर है बिल्कुल क्लियर है चलो ना चार्ट बुक कुछ भी नहीं होनी चाहिए आपके सामने आप सिर्फ एकदम ब्लैंक होकर बैठ जाओ ठीक है एक पानी की बॉटल लेके बैठ जाओ पहली चीज

कोई भी क्वेरीज कोई भी कमेंट्स आप बीच में नहीं भेजेंगे यस yes या नो no भेजते रहेंगे जब मैं पूछूंगा तो यस yes, कुछ चीज में तकलीफ है नो no. बस यस नो सो दैट आपके टाइम का सही रिस्पेक्ट हो सकेगा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट यहां पे नहीं होगा क्लियर है हम लोग यहां पर ठीक है तीसरी चीज ये सेशन सिर्फ लाइव अवेलेबल रहेगा इसके बाद में एंड में मैं थोड़ी देर के लिए इसको रखूंगा ड्राफ्ट हटा दिया जाएगा जस्ट टू मेक अ डिसिप्लिन थ्रू आउट द नेक्स्ट फाइव डेज थ्रू आउट द एंटायर वीक एक डिसिप्लिन न रहेगा कि आप लोगों ने दिन भर सेल्फ स्टडी करनी है शाम को आना है शाम को अच्छे से लाइव अटेंड कर लेना है 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 एंड आफ्टर वापस अपनी सेल्फ स्टडी पे लग जाना है। होता यह कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है दैट आप लोग सोचते चलो यार आधा घंटा एक घंटा पढ़ लिया अब बस यार अब मैं बाद में कर लूंगा बाद में कर लूंगी एंड आफ्टर बाद में कभी आता ही नहीं है तो बस ये अभी अवेलेबल रहेगा फर्स्ट दिसंबर के आसपास मैं सारे लेक्चर्स को पब्लिकली अवेलेबल कर दूंगा तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पता ही नहीं था तो बाद में तो देख ही सकता है तो ये तीन रूल्स हैं इन्हीं के साथ में आगे बढ़ना है सो नाउ वी स्टार्ट सर हमें साथ साथ में लिखना है कि नहीं लिखना है मैं पूरी चीज लिखता रहूंगा सारे चार्ट बनाता रहूंगा और जो मेरे बनाए हुए ये मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा तो ऐसे में लेक्चर इज ओवर मैं ये पूरा मेरा हैंड रिटन जो पूरा नोट्स है ना ये आपके साथ में शेयर कर दूंगा सो so दैट आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी कि आप लोगों ने बैठ के ये नहीं है कि अभी पूरा पेंडम करने में समय वेस्ट करना है इंटेंशन इज इन द मिनिमल पॉसिबल टाइम कम से कम समय में आपका रीड को मैं क्रिस्टल क्लियर करके छोड़ू क्लियर क्लियर ठीक है एंड एज एव क्लियरली सेड कि से नोट पर दूंगा आप सबको पता है कि मेरे लिए जो आपके कमेंट्स हैं ये सबसे ज्यादा प्यारे हैं लेकिन अगर इस बारे में अभी हम बात करने लग जाएंगे सो so देन आपका पूरा का पूरा समय वेस्ट हो जाएगा राइट एंड एग्जाम बहुत करीब है तो फोकस होना चाहिए हंड्रेड परसेंट अभी पढ़ाई पे मैं आपको बहुत प्यार करता हूं और आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं ये थैंकफुली मैं जानता हूं ठीक है ना तो परेशान मत होगा बिल्कुल भी हां जब सेशन हो गया है उसके अंदर पांच मिनट निकाल के और बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारा बहुत सारा प्यार आप दे दीजिएगा क्लियर है यार हूं ठीक है क्या आर वी ऑल सॉर्टेड तो शुरुआत में दो मिनट आपके मैसेजेस देख रहा हूं आर वी ऑल सॉर्टेड सो दैट वी कैन स्टार्ट इट अप एग्जीक्यूटिव के बच्चों आपके लिए नेक्स्ट वीक डेडिकेटेड है ठीक है रिविड टे अनुराग प्रोफेशनल का वीक चल रही है नेक्स्ट वीक एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा ओके गोपाल एम रियली सॉरी आई वॉज सर्टनली आई वॉज ऑक्यूपाइड विद समथिंग एंड एस टाइम परमिट गेट बैक टू द मैसेजेस बहुत ज्यादा मैसेजेस हैं तो मैं एक एक करके उनको रैपअप कर रहा हूं ओके आए क्या बात है चलिए नदीम इनकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं होगी अगर लगता है मुझे कि आपके पास ये नोट्स होने की जरूरत है तो मैं लेक्चर के पहले दूंगा ब्लैंक है पूरा पूरा ब्लैंक है बहुत कम लिखा हुआ है ये सब मैं लिखने वाला हूं तो मेरे लिखने के बाद में इनकी कीमत बढ़ेगी ऐसा कीमत बढ़ेगी मतलब आपके लिए वैल्यू बढ़ेगी पढ़ने के लिए ऐसा और कुछ नहीं चलो कदम ठीक है ना तो अब मैं अब मैं अब मैं अब मैं क्या कर रहा हूं अब मैं मेरे सामने से कमेंट्स हटा रहा हूं ओके okay? अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे चलो 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 यार यस पीपल लेट्स हिट इट लेट्स हिट इट चलो यार अरे कृति क्या बात है यस yes, आकाश अरे सब सब प्यारे प्यारे लोग आ चुके हैं यहां पर चलो चलो दोस्तों एंड में बात करूंगा अभी अगर मैं इसमें लग जाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर लेंगे हम लोग तो मैं भी बहुत डेस्परेटली आपसे बात करना चाह रहा हूं बहुत दिन हो चुके हैं बट हम लोग थोड़े समय बाद इसको करेंगे आप सबसे मेरा सजेशन है आप क्या करें आप फोन को लैंडस्केप में ले लो उसके बाद वहां पर चैट ऑफ का ऑप्शन होता है जिससे कि आपको चैट्स नहीं दिखेंगे अब ऐसा कर सकते हो सो दैट अगर कोई व्यक्ति मैसेज भी करता है तो आप उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे ठीक है और मेरा रिक्वेस्ट है अब आप लोग कुछ मैसेज ना करें अब मुझ पर छोड़ दो ओके चलो यस पीपल Yes, yes, yes. Yes, people, चले हा यहां से रिविजन ऑफ रीड पर फोकस वेरी केयरफुल यस हम लोगों ने जब लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ा था तो हमने रीड को कुछ इस तरह से डिवाइड किया था इस चैप्टर को इफ इट ऑल यू रिमेंबर फोकस करेंगे अच्छे से इफ एट ऑल यू रिमेंबर हमने कुछ इस प्रकार से रीड को डिवाइड किया था 100% परसेंट फोकस यहां पे। चलिए हमने कुछ इस प्रकार से रीड को डिवाइड किया था दैट सबसे पहले आता है ओवरव्यू फोकस करना चाहिए ओवरव्यू कुछ चीजों का और कुछ चीजें हैं डिटेल में इस चैप्टर में तो ओवरव्यू किन चीजों का पढ़ना होता है ओवरव्यू में दो चीजें आती है एक आती है रीड की हिस्ट्री कि रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किस प्रकार से हमारे इंडिया में आया और एक आता है स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू नीड टू नो हिस्ट्री हिस्ट्री ठीक है नॉलेज के लिए बतानी चाहिए बट स्ट्रक्चर अनिवार्य रूप से बताना चाहिए अगर आपको इस चैप्टर का स्ट्रक्चर पता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का स्ट्रक्चर पता है तो आधा चैप्टर तो आपका वहीं पे खत्म हो जाता है आधा चैप्टर तो आपका वहीं पे खत्म हो जाता है फोकस अच्छे से और डिटेल में हमें पढ़ना होता है विथ रिस्पेक्ट टू डिटेल में पढ़ते हैं रिगार्डिंग आर स्पॉन्सर जैसे कंपनी में प्रमोटर होता है यहां पर स्पॉन्सर होता है देन ट्रस्टीज देन आर मैनेजर देन यूनिट्स जैसे कि कंपनी में शेयर होते हैं यहां पर यूनिट्स होते हैं एंड देन इन्वेस्टर्स इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होता है वंस यू हैव डन दिस क्या आपको स्ट्रक्चर पूरा पता है और इन सबके बारे में यह सारी चीजें डिटेल में पता है तो विश्वास मानिए कि आपका चैप्टर वहीं पर खत्म हो चुका है प्रैक्टिकली आपका चैप्टर वहीं पर खत्म हो चुका ओके फोकस करना अच्छे से यस yes, पीपल अब मैंने किस तरह से प्लान किया है कि आपका मैं पूरा रेलस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किस तरह से पढ़ाने वाला हूं पांच चार्ट में डिवाइड किया पूरे रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को मैंने पांच चार्ट में डिवाइड किया पांच चार्ट में आज हम पूरा का पूरा रीट पढ़ के जाएंगे पांच चार्ट किस तरह से डिवाइड चार्ट वन में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ रीट स्ट्रक्चर ऑफ रीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अमंग ऑल द फाइव चार्ट्स बिकॉज अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर है ना तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी सबसे ज्यादा स्ट्रगल बच्चों का होता है कि उनको स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं होता है तो स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता है फिर प्रोविजन याद ही नहीं रह सकते तो स्ट्रक्चर पूरा रीड का पहले क्लियर होना चाहिए दूसरी चीज बहुत ईजी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बहुत ईजी है यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को कभी कंफ्यूजन वगैरह भी नहीं होता है कि स्पॉन्सर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है ट्रस्टी कौन होना चाहिए मैनेजर के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो ये कुछ एलिजिबिलिटी बहुत है मैं इसको ले इस रहा बिकॉज इस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बाकी दिस इज वेरी चाहिए ठीक है थर्ड चार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट ऑफ द डे आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट रहने वाला है थर्ड चार्ट फोकस करना अच्छे से थर्ड चार्ट में क्या है थर्ड चार्ट में बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट कंडीशंस की

चाहिए, कैसे होता है वगरा वगरा। है, वगैरह वगैरह और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने A और B. चार्ट का पार्ट A है है, ठीक कोई बड़ी बात नहीं है। कि को किस प्रकार के करने होते हैं. इज अबाउट इन्वेस्टर तो लास्ट के दो जो ना, काफी रहने वाले हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है फर्स्ट थ्री चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट

कि रीड एसपीवी में कर सकता है रीड डायरेक्टली रियल एस्टेट एसेट में कर सकता है रीड होल्ड को में कर सकता है होल्ड को एसपीवी में कर सकता है एसपीवी रियल एस्टेट एसेट में कर सकता है ये जो पूरा का पूरा जो खिचड़ी बना हुआ है ना ये आज हम पूरा क्लियर कर देंगे किसी व्यक्ति को कंफ्यूजन रहेगा नहीं चलो और चार्ट फोर इस यूनिट्स के ऊपर है ठीक है आपके थोड़ी सेल्फ स्टडी में पढ़ना आसान हो जाएगा इसलिए मैं यहां पे पढ़ा दूंगा चार्ट फॉर्म में एंड डिस्कलोजर स्ट्रेटेज इन्वेस्ट भी आपको सेल्फ स्टडी में आसान जाएगा इसलिए तो वंस यू आर डन विद फाइव चार्ट्स और कल सुबह बैठ के अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पढ़ोगे अपने नोट से तो आपको लगेगा पूरा का पूरा मक्खन ये मेरी आशा है चलो. मैं आपको वैसे हिस्ट्री पढ़ाना नहीं चाहता बट चूंकि चूंकि हम लोग मिले हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं हिस्ट्री से वैसे मेरी हिस्ट्री पढ़ाने की कोई नहीं है इंटेंशन नहीं है हिस्ट्री पढ़ाने का बट हाँ चलो यार फाइनली मैं स्टार्टिंग हिस्ट्री क्या है कुछ भी नहीं है एकदम सिंपल सी बात है दैट हुआ ऐसा था बहुत पुरानी बात है 1960. रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर 1960 में शुरुआत हुई थी इंडिया US में नहीं यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 1960 1960 के रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का काट लाया गया इंडिया में तो 2014 में आया था जब वो इंप्लीमेंट हुआ फाइनली लेकिन यूएस में 1960 में आ गया तो 2014 में इंडिया में जब आया था ये तब तक वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे वो प्रॉपर तरीके से स्टेब्लिश भी हो चुका है राइट right? और उसके बाद हम इंडिया में लेकर आए तो 1960 में रीट पहली बार आया था यूनाइटेड स्टेट्स में ऑफ इन इन यूएस ओके देन हमने पहला अटेम्प्ट किया था इंडिया में रीट लाने का तो रीट का जो पहला रेगुलेशन था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 में लेकिन वो तब इंडिया में आ नहीं पाया बिकॉज तब जो टैक्स लॉस थे उसमें रीट के लिए कोई जगह नहीं थी राइट right? क्या लिखा है देखो फर्स्ट ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑफ रीट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बट टैक्स लॉस नॉट फेवरेबल जो इंडिया के टैक्स लॉस थे उसके अंदर रीट को बिल्कुल भी एडजस्ट करने के लिए संभावनाएं नहीं थी क्लियर हम लोग तब जाके उसके बाद में फेब्रवरी 2014 थाउजेंड 2014 के अंदर थ्रू बजट ऑफ 2014 टैक्स लॉस पेव्ड द पाथ फॉर रीड 2014 के अंदर फिर बजट में अमेंडमेंट लाया गया और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रीड के लिए जगह बनाई गई और उसके बाद में 2014 में एज वी ऑल नो इन ऑगस्ट 2014 फाइनली आया रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 2014 तभी तो जो हम पढ़ रहे हैं आज of read, read, read जिसको हम कहते हैं ये आया है अंडर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 सो दिस इज अट स्मॉल हिस्ट्री व्हिच यू शुड नो तो जब आप पढ़ोगे मॉड्यूल एड नोट तो आपको मिल जाएगा एकदम क्लियर so, है फोकस करना क्यों होना चाहिए क्योंकि भरोसा नहीं इंस्टीट्यूट का इसलिए सबसे पहली चीज़ सिलेक्टिव होकर आप लोग पढ़ के नहीं जा सकते आपको हर एक चीज पढ़नी है क्लियर के, के अंदर यूएस में अलाउ किया रीड का कंसेप्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 जो हमें आज दिखती है वो आ गई इंडिया में सो so, इंडिया में आया था रियल इन्वेस्टमेंट रेगुलटीन आवी क्लियर आर वी क्लियर बहुत इजी 9e60 यूएस में आया, 2008 में इंडिया में लाने की कोशिश की पर ला नहीं पाए 2014 बजट में इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट आया और 2014 अगस्त के अंदर इंडिया में अगर सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 आर वी क्लियर चलो एक बार कमेंट सेक्शन में देख लेता हूं क्या बच्चों को तकलीफ तो नहीं आ रही है आर वी क्लियर पीपल बिटा जी अगर किसी को थोड़ा सा भी क्वालिटी में इशू आ रहा है ना तो आप क्या कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर ही जो आपका सेटिंग रहता है ना तो उसके अंदर यू हैव दिस फीचर कि आप कितने uh, उस पर विजिबिलिटी पे देखना चाहते हो तो उसमें आप क्वालिटी को इंप्रूव कर दोगे तो आपके लिए दिखने में क्लियर हो जाएगा ओके एकदम ईजी है ना अभी तक अभी तक कोई तकलीफ की बात ही नहीं है ना आर यू ऑल विथ मी आपके लिए जस्ट टेल मी यस जस्ट टेल मी ये आर यू ऑल विथ मी क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत ही ही बहुत है, बहुत ही प्यारे 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 बच्चे अरे कमलेश सब आए हैं आज तो क्या बात है बहुत प्यारे बहुत प्यारे एक और चीज बच्चों अगर आप में से कोई एग्जीक्यूटिव का बच्चा यहां पे खींच के रुक चुका है तो प्लीज चले जाओ एग्जीक्यूटिव में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है बट बहुत कम है तो आपको इतना पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं आप और कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे ये सब है ही नहीं जो एलिजिबिलिटी इनको मेन जो मैं पढ़ाने आया हूं वो है ही नहीं वहां पे इसलिए चलो तो फाइनली लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट चार्ट ठीक है अभी मेरे साथ में बने रहो मैंने शुरुआत में कहा था कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए आपको कुछ नोट्स अपने हाथ में नहीं रखने अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरे साथ में पढ़ते जाओ ठीक है एंड में मैं आपको यह भी दे दूंगा और आपके पास जो अपने नोट्स हैं जो मॉड्यूल है उसी से रिवाइज करना है है फिर आपको पढ़ना प्रोफेशनल में कुछ कट शॉर्ट करके कोई सेंस नहीं बनता तो आपको उसी तरह से पढ़ना है यह बस मैं आपको जो जो क्रिटिकल पार्ट है वो सब मैं यहां पे कवर करा दूंगा आपको कुछ भी पेनडाउन भी नहीं करना है यह जो भी मैं लिख रहा हूं इस सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा यह जो मेरा रिटर्न शीट है ये मैं आपको दूंगा ठीक है चलो फोकस करना अच्छे से यस पीपल चलिए वापस आ रहा हूं मैं यहां पे सो फाइनली लेट्स स्टार्ट विद चार्ट नंबर अब मुझे चाहिए आप सबका हंड्रेड परसेंट फोकस यहां पे चार्ट नंबर वन सबसे खास चार्ट है मेजोरिटी को अच्छे से क्लियर होगा बट अगर ये क्लियर है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं चलिए हंड्रेड परसेंट फोकस के साथ यहां पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ठीक है चलो रीड की सबसे पहला फीचर दैट इट हैज टू बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 चलो सब लोगों का फोकस यहां पे अब रीट जब भी आप स्टार्ट करेंगे जो भी व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है उसको पहले एक ट्रस्ट इनकॉर्पोरेट करनी है ये आपको क्यों बता रहा हूं मैं अभी से आगे, आगे आपको समझ में आएगा एक होल्ड को आता है अब होल्ड को क्यों आ रहा है अरे होल्ड को इसलिए आ रहा है बिकॉज रीट आप कंपनी के फॉर्म में बना ही नहीं सकते रीट आप कंपनी के फॉर्म में बना ही नहीं सकते अगर आपको रीट स्टार्ट करना इट इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट क्लियर है अरे नाम ही क्या है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट तो बिकॉज वो एक ट्रस्ट के फॉर्म में

एकदम सिंपल सी चीज स्पॉन्सर्स कौन होते हैं sponsors वो लोग होते हैं जिन्होंने रीट को इनकॉर्पोरेट जिन्होंने रीट को रजिस्टर किया जिन्होंने रीट को स्टार्ट किया जिन्होंने रीट को इनिशिएट किया तो जैसे कंपनी को स्टार्ट करने वाले प्रमोटर ट्रस्ट को स्टार्ट करने वाले स्पॉन्सर तो यहां पर आ गए सिंपल तरीके से स्पॉन्सर सबसे स्पॉन्सर दो पीपल जिन्होंने रीट को बनाया है ठीक है ठीक बनाते ही सिंस दिस इज अ ट्रस्ट वी हैव टू अपॉइंट ट्रस्टीज ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज यू अपॉइंट ट्रस्टीज पूरा फोकस यहां पर सो वॉट एपन इज स्पॉन्सर आ गए उन्होंने रीड को स्टार्ट कर दिया उन्होंने अपॉइंट कर दिया ट्रस्टीज को ट्रस्टीज भी आ गए थर्ड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट दे अपॉइंट रीट मैनेजर ये हैं वो तीन लोग जो रीट को पूरा का पूरा हैंडल कर रहे हैं सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली सबसे पहली चीज जो होती है ट्रस्ट में रीट में दैट इज स्पॉन्सर स्पॉन्सर इज द वन हु सेट्स अप द ट्रस्ट जिसने ट्रस्ट बनाया स्पॉन्सर so, फिर वो अपॉइंट करता है ट्रस्टी को ट्रस्टीज आ गए बिकॉज इट इज अ ट्रस्ट ना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ट्रस्ट है तो ट्रस्टीज होना मैंडेटरी है ठीक है एंड देन दीज पीपल अपॉइंट रीट मैनेजर थर्ड स्ट फ्टर दिस थर्ड स्टेप इज कंप्लीटेड तीन स्टेप जैसे हो गए से फोकस करना बहुत अच्छे से वंस दर्ड स्टेप इज डन जैसे ही तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया थर्ड स्टेप जैसे ही कंप्लीट हो गया उसके बाद में रीट रेडी हो गई है रीट एक बार रेडी हो गई है फोकस करना अच्छे से नाव वॉट दे केन डू इज फोकस वेरी केयरफुल नाव दे नीड फंड एंड देन दे इशू ऑफर डॉक्यूमेंट बहुत केयरफुल समझना अब रीट एक बार रेडी हो गया ना कि हां ठीक है स्पॉन्सर ने स्टार्ट कर दिया ट्रस्टी को अपॉइंट कर दिया रीट मैनेजर आ गया अब रीट रेडी है ये क्या करते हैं अब ये ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करते हैं कि हमारा ये ट्रस्ट है आप में से कोई भी व्यक्ति चाहे तो हमारी यूनिट खरीद सकते हैं स्पॉन्सर भी खुद की होल्डिंग करते हैं वो सब आगे एलिजिबिलिटी में बताऊंगा उसके बाद में ये यूनिट्स इशू करने की कोशिश करते हैं उसके बाद में ऑफर डॉक्यूमेंट देते हैं कि आओ आप हमारे रीट में इन्वेस्ट कर सकते हो अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड वेरी वेरी होफिल ठीक है दे दिया अब यहां पर बहुत सारे लोग हैं ये लोग कौन है ये लोग हैं यूनिट होल्डर्स यूनिट होल्डर्स बनेंगे ये अभी तक तो पब्लिक है ऐसा समझ लो अब ये यूनिट होल्डर्स बने नहीं है नहीं नहीं अभी यूनिट होल्डर्स नहीं लिखता मैं तो रीड देता है ऑफर डॉक्यूमेंट कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो हमें इन्वेस्ट कर सकता है ठीक है समझना ध्यान से जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो करते हैं इन्वेस्ट जो जो इन्वेस्ट करता है उन सबको अलॉट होते हैं यूनिट्स नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली द कंसेप्ट ऑफ यूनिट्स जैसे कि एक कंपनी में शेयर इशू होता है कंपनी को चाहिए मान लीजिए सौ करोड़ रुपए तो कंपनी एक करोड़ शेयर इशू कर देता है सौ रुपए का उसी प्रकार से रीट भी छोटे 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 छोटे, -छोटे यूनिट्स में इशू करते हैं कि तो एक यूनिट है दस रुपए का फॉर एग्जांपल जिसको जितने यूनिट चाहिए उतने ले लो राइट तो एक व्यक्ति मान लीजिए एक लाख इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो दस हजार यूनिट्स खरीद लेगा तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इन्वेस्ट करता है उन सबको मिलते हैं यूनिट्स और तब ये लोग बन जाते हैं यूनिट होल्डर तब ये लोग बन जाते हैं यूनिट होल्डर आई होप इट इज गोइंग वेरी इजी कोई परेशानी की बात नहीं फोकस करना अच्छे से फोकस करना बहुत अच्छे से ठीक है थिंग्स आर वेरी इजी ऑफर डॉक्यूमेंट आया जिसको इन्वेस्ट करना था उसने इन्वेस्ट कर दिया उनको दे दिया यूनिट्स एक बहुत खास बात बता देता तो हूं मैं आपको ये जो यूनिट्स होते हैं ना यही तो मैं पूरे चार्ट में चार्ट नंबर फोर याद है मैंने बताया था चार्ट नंबर फोर में इन्हीं यूनिट्स की तो बात करूंगा दैट यूनिट्स हैव टू बी लिस्टेड एंड एक्सेट्रा थिंग्स पढ़ूंगा चलो ठीक है एकदम सिंपल है नाउ व्हाट चलो साहब ये सब भी हो गया यूनिट हो गए सिक्स कर देता हूं नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई चलो चलो सब लोग यहां पर बने रहो बहुत ईजी चल रहा है ना मान लीजिए रीट को पैसों की जरूरत है फोकस करना अच्छे से रीट को और पैसों की जरूरत है सर ये रीट आप बता रहे हो रीट को कंपनी के साथ में कंपनी में प्रमोटर होता है रीट में उसी प्रकार से स्पॉन्सर होता है कंपनी शेयर इश्यू करती है रीट यूनिट्स इशू करती है कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं रीट में यूनिट होल्डर होते हैं परफेक्ट सब चीजें है सर जैसे कि कंपनी लोन भी तो लेती है शेयर इशू करने के अलावा क्या रीट भी लोन ले सकता है बिल्कुल ले सकता है अभी हम स्ट्रक्चर समझ रीट शुरू कैसे होता है तो ठीक है भाई स्पॉन्सर आया ट्रस्टी आया मैनेजर आया इन्होंने यूनिट्स इश्यू करके पैसा भी ले लिया ये चाहे तो लोन भी ले सकते हैं चाहे तो लोन भी ले सकते हैं लोन भी ले लिया से फॉर एग्जाम्पल लोन भी ले लिया चलो अब तो पैसा इकट्ठा हो चुका है अब तो पैसा इकट्ठा हो चुका है सो नाउ रीट एस गॉट इनफ मनी दिस इज ऑल डन नाउ रीट विल डू वॉट अ पैसा इन्वेस्ट इकट्ठा हो चुका है नाउ इज द टाइम टू इन्वेस्ट मनी यह जो रीट मैनेजर है यह व्यक्ति इन्वेस्ट करता है एंड एज द नेम सजेस्ट पैसा कहां पर जाएगा फोकस करना अच्छे से एज द नेम सजेस्ट पैसा कहां पर जाएगा पैसा जाएगा सिर्फ रियल एस्टेट असेट्स में रियल एस्टेट असेट्स रियल एस्टेट असेट्स रियल एस्टेट असेट्स नाउ क्वेश्चन कुड बी सर ये तीन की ड्रॉ की एक ड्रॉ करते जस्ट टू टेल यू दैट डीज पीपल रीड कैन इन्वेस्ट इन मल्टीपल रियल एस्टेट असेट्स ये अलग 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 भिन्न भिन्न रियल एस्टेट असेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है राइट सो दे कैन इन्वेस्ट देन फाइनली दे इन्वेस्ट ये जो पैसा है ये पैसा पूरा इन्वेस्ट किया जाता है साथ में बने रहना एकदम लड्डू रहेगा यहां पे हर एक प्रॉपर्टी के लिए एक रेलेवेंट मैनेजर भी अपॉइंट किया जा सकता है तो जितने आप असेट्स में इन्वेस्ट करो वहां रेलिवेंट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो रीट में भी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहां पर भी ठीक है आप चाहे तो अपॉइंट कर सकते हो ठीक है नाउ अंडरस्टैंड यहां तक के जो एट पॉइंट पहले देखो कि आपको क्लियर है कि नहीं एट पॉइंट्स तक हम आ चुके हैं एट पॉइंट्स हर एक व्यक्ति को क्लियर होने चाहिए सुना ध्यान से एकदम पॉइंट्स में क्या अभी मैं कमेंट सेक्शन वगैरह पे नहीं जा रहा हूं फोकस करो अच्छे से आप सब अपनी पढ़ाई करने आए तो मैंने आपको पहले कहा कि आप लोग क्या करेंगे मोबाइल को लैंडस्केप में करेंगे करेंगे एंड कमेंट्स वहां पे ऑफ ऑफ करने का ऑप्शन होता है उसको कर देंगे ताकि आप बस मेरे साथ बने रहेंगे हर एक को ये आठ पॉइंट क्लियर है कि नहीं है आंखें बंद कर लो सब लोग आंखें बंद कर लो आंखें बंद कर लो अरे मैं सही कह रहा हूं मैं अटेम्प्ट की कसम दे देगा अभी कभी तो चुपचाप मेरी बात मानो आंखें बंद कर ली ठीक है रीड में सबसे पहले कौन आता है रीड बॉक्स बना रीड इट हैज टू बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट सबसे पहले आता है नीचे स्पॉन्सर फिर स्पॉन्सर किसे करते ट्रस्टी किसे फिर उसके में? आ, हमारा जो रीट मैनेजर है ठीक है यहां तक तीन पॉइंट तक तो क्लियर है उसके बाद में पैसे भी तो चाहिए और जो स्पॉन्सर आया उसके अलावा तो ये क्या करते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट देते हैं पब्लिक को उसमें जो जो इन्वेस्ट कर देते हैं उनको दे देते हैं यूनिट्स ठीक है पैसा और भी आ गया लोन भी ले लेते हैं फिर लेंडर से अगर लेना है तो ये पूरा पैसा जो है फिर हम इन्वेस्ट कर देते हैं कहां रियल एस्टेट असेट्स में हर एक व्यक्ति ये आठ पॉइंट के साथ में क्लियर है क्या एकदम शांति से कोई जल्दबाजी नहीं मैं अब आपके कमेंट सेक्शन पे आ रहा हूं हर एक व्यक्ति ये आठ पॉइंट क्लियर है क्या ये आठ पॉइंट हर एक व्यक्ति के क्लियर है क्या दिलो दिमाग में बैठ गए क्या एकदम क्लियर है मतलब एकदम सिंपल तरीके से एकदम सिंपल तरीके से हम लोग जाएंगे तो यहां पे कर सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से कि पॉइंट रीड बन गया .1, .2, ट्रस्टी थ्री मैनेजर पॉइंट फोर ऑफर डॉक्यूमेंट पॉइंट फाइव इवेस्टमेंट पॉइंट सिक्स हमने उनको यूनिट अलॉट कर दिए ठीक है वो यूनिट होल्डर बन गए पॉइंट सेवन में हमने लोन लिया लियांट एट में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया सुपर इजी इजीजेंट चलो आगे बढ़ रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं एकदम अच्छे से ठीक है बहुत अच्छे से आप कोऑपरेट कर रहे हो इतने समझदारी से कॉपरेट कर रहे मैंने आपको कहा है आप लोग अभी कुछ और टाइप नहीं करेंगे यस नो के अलावा बिकॉज एंड में बात करूंगा अदरवाइज फ्लो टूट जाएगा पूरा और जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूं ना वो कंप्लीट नहीं हो पाता फिर इसलिए चलो फोकस करना सुरभि कह सर प्लीज प्लीजीड अपड सुर सुरभि बिल्कुल कर दूंगा मुझे बस एक बार सब लोगों को मेरे साथ में यहां तक चलने दो कैसा होगा अगर किसी को स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो मैं रीड पढ़ा के क्या फायदा फिर तो पहले स्ट्रक्चर पे सब लोग साथ में आ जाओ चलो फोकस करना ओके हेमंत ओके हेमंत चलिए ओके विजय चलो अब मैं कमेंट सेक्शन हटा रहा हूं आप यहां पर हो गया यहां पर अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप ऑफकोर्स जैसे ही इनकम अब लोगों ने इन्वेस्ट क्यों किया

प्लस प्रिंसिपल एट दी एंड ये सब तो आप रिपे करोगे इसे ही और साथ ही साथ इसे डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे ना डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे सो so, एकदम सिंपल सी बात है ऑफकोर्स हैव है इन्वेस्टेड इन रीट पीपल हैव इन्वेस्टेड इन सो दैट पीपल गेट सम मनी इनकम सो एस सुन एज नाइन्थ पॉइंट में ये इनकम आया है

मैं आज गधे से गधे नहीं बोलता हूं बच्चे बहुत देर ले लेते हैं उस चीज को ठीक है मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति को ये दस पॉइंट दिलो दिमाग में बैठ चुके हैं मैं मैं फुल फुल स्क्रीन स्क्रीन कर रहा रहा करके मैं 30 seconds, 30 seconds का आपको समय दे रहा हूं। कोई पेन डाउन नहीं करना है पेन डाउन तो किसी को करना ही नहीं मैं पूरे का पूरा मेरी रिटर्न शीट आपको दूंगा तो लिखने में कोई टाइम वेस्ट ना करें आज आज हम लोग बैक टू बैक पढ़ेंगे माय चार्ट वन इज ओवर आई एम जस्ट हियर टू टीच यू फाइव चार्ट्स आउट ऑफ विच द फर्स्ट चार्ट इज ओवर थर्टी सेकंड्स दे रहा हूं सो दैट यू कैन सी इट Are you all able to understand? Are you all able to understand? चलिए यार आई गेस सब लोग कंफर्टेबल हैं यस पीपल मैंने आपसे कहा है हर एक कृति संभालो अपने आपको सुनील मैंने आपको कहा है आप कुछ भी नहीं कमेंट करेंगे उस प्रकार से KMP, के एम पी मैं एलिजिबिलिटी के अंदर लेने वाला हूं तो आप लोग उस प्रकार का कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे मैंने यही कहा है बाकी सबका टाइम वेस्ट होता है ओके okay? सो so, आगे से कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे आई हैव प्लान इन सच अ फैशन कि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो बिल्कुल कमलेश कर सकते हैं कर सकते हैं ओके okay? चलिए सुरभि एसपी वगैरह सब मैं आपका इन्वेस्टमेंट कंडीशन लूंगा मैंने आपको शुरुआत में रिक्वेस्ट किया प्लीज डू नॉट कमेंट मैंने प्लान किया पांच चार्ट मैं वैसे कर रहा हूं उसके बाद में आप जब कल सुबह पढ़ेंगे आपके टॉपिक्स को जहां से भी आप पढ़ेंगे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ओके चलो चलो यस yes, वापिस में कमेंट सेक्शन हटा रहे हैं और अब हम बढ़ रहे हैं चार्ट नंबर टू पे अब देखो प्लान था मेरा स्ट्रक्चर ऑफ रीट हो चुका है अब एलिजिबिलिटी अनदर इजी पार्ट है उसको डन कर लेते हैं फिर इन्वेस्टमेंट कंडीशन पे जाते हैं बड़ा मजा आने वाला है इन्वेस्टमेंट कंडीशन गुड भी वेरी इंटरेस्टिंग क्या फिर कौन किस में कैसे इन्वेस्ट करता है चलो गुक रुको रुको पहले उसके साथ में चार्ट वन रीट के अंदर कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं फोकस करना अच्छे से रेफरेंस पॉइंट के अंदर ये जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना पॉइंट नंबर एट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना पॉइंट नंबर एट में जब इन्वेस्ट हो रहा है तब एक चीज का ध्यान रखना है पॉइंट नंबर एट में जब इन्वेस्ट हो रहा है तब एक चीज का ध्यान रखना है अब रीड का पूरा स्ट्रक्चर हरिक के दिमाग में क्लियर है फोकस करना मेरे साथ यहां पे रीड का स्ट्रक्चर हरिक के दिमाग में क्लियर है कि भाई साहब ये यहां से आया ये स्पॉन्सर आया ये ट्रस्टी आया ये मैनेजर आया ये हमने ऑफर डॉक्यूमेंट दिया ये लोगों ने पैसे दिए ये उनको यूनिट्स दे दिए लोन लेना है तो ले लिया और अब हम कर रहे हैं इन्वेस्ट Eighth point में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तब एक चीज का ध्यान रखना किस चीज का ध्यान रखना एटलीस्ट फोकस वेरी केयरफुली एटलीस्ट एसेंट ऑफ ऑफ रीट मतलब जो आपके पास में पैसा है रीट मतलब जो स्पॉन्सर मतलब लेकर आ रहे हैं जो आपने लोगों से लिया है जो आपने लोन लिया है जो भी आपका रीट के असेट है उसका एट्टी परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द रीट असेट सुनना ध्यान से लेकर आए मान लीजिए चालीस करोड़ ठीक 40 है उसके मान चार सौ करोड़ स्पॉन्सर लेकर आए फिर छह करोड़ आपने पब्लिक से रेस कर लिए 100 करोड़ का लोन लिया है ये 1100 करोड़ हो गए उस 1100 करोड़ में से 100 करोड़ तो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंस के लिए रखें आपने फॉर एग्जांपल और हजार करोड़ आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये जो टोटल आपके असेट हो रहे हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है टोटल उसका एटी जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है हजार करोड़ का जो आप टोटल खरीद रहे हो टोटल असेट्स इस इन्वेस्टमेंट का 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द रीट नीड टू बी इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हम एटी ट्वेंटी रूल बोलते हैं एटी ट्वेंटी रूल व्हाट इज एटी ट्वेंटी रूल पहला रूल पढ़ा रहा हूं रीट का जो कॉम्प्लेक्स है कि जब भी आप रीट में इन्वेस्टमेंट करें आपको ध्यान रखना है कि परसेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एट्टी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट हैव टू बी इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज

एटी परसेंट ऑफ टोटल इन वॉट कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग से जो कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है कंप्लीट हो चुके हैं एंड रेवेन्यू जनरेटिंग है सिर्फ ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो ठीक है कम से कम 80 परसेंट तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है ये प्रोविजन लाया गया था ताकि डेवलपर्स रीट के नाम पे लोगों को ना लूट लें बिकॉज इंडिया में कैसा प्रॉब्लम है कि आज स्टार्ट हुआ है भाई चल रहा है दस पंद्रह साल से बनी रहा है नहीं, नहीं रीड अपना पैसा वहां नहीं लगा सकता रीड का पैसा ऐसी जगह लगेगा जो कि 80 परसेंट पैसा तो वहीं लगेगा विच इज कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग 80 20 रूल आज से लाइफ में रीड के जो टोटल इन रेवेन्यू एंड इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग रूल दिमाग में चिपक जाते हैं रीट का एटी रूल मतलब क्या है कि जो टोटल हमने पैसे कटा गया जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 80% 20% एट्टी परसेंट का पॉइंट हुआ नेक्स्ट सुना मेरी बात को ध्यान से जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना वहां पे एक और चीज है ये मैं रेफरेंस कैसे दे रहा हूं आपको समझ रहे हैं क्या ये स्ट्रक्चर के रेफरेंस स्ट्रक्चर में पॉइंट एट इन्वेस्टमेंट था तो इन्वेस्टमेंट करते क्या करना? में ये देना कि 80 अच्छे, कर, है इन्वेस्ट तो जहां पर आप कर रहे हो बेसिस मान लीजिए आज रीट चल रहा है रीट ने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका पूरा वैल्यूएशन करना है आपको ईयरली बेसिस पे एंड अपडेट द सेम ऑन हाफ ईयरली बेसिस ठीक है मतलब क्या होता है सर इसका रीट ने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया है,

So, हर एक रीट को एनुअली एनुअली पूरा वैल्यूएशन करना है और हाफ एयरली बेसिस पे अपडेशन कर देना है अपडेशन में क्या होता है कि पूरा वैल्यूएशन नहीं करते सिर्फ जहां जहां चेंजेस हुए उसकी बात कर लेते हैं सो so, क्या फुल वैल्यूएशन ऑन इयरली बेसिस एंड अपडेशन ऑन हाफ ईयरली बेस एंड डिक्लेयर एनएवी विद इन फिफ्टीन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वैल्यूएशन एंड अपडेशन

म्यूचुअल फंड के चैप्टर में एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसी प्रकार से यहां पे भी एनएवी कैलकुलेट होता है तो आपने क्या करना है हर साल एवरी ईयर आपने एनुअली फुल वैल्यूएशन करना है और हाफ ईयरली अपडेशन करने हैं आपने और हर 15 डेज में जैसे आपने हाफ ईयरली अपडेशन हुआ उसके 15 डेज के अंदर आपने एनएवी इन्फॉर्म करना है म्यूचुअल फंड में एनएवी डेली इन्फॉर्म करना होता है म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी डेली बेसिस पे इन्फॉर्म करना होता है यहां पर डेली बेसिस पे इन्फॉर्म नहीं करना है यहां पे इन्फॉर्मेशन कैसा है यहां पे इन्फॉर्मेशन करना है आपने जब भी आपका अपडेशन या फिर फाइनल वैल्यूएशन हो रहा है उसके 15 डेज के अंदर अविकल अविकले ठीक है नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट में इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी नाइंथ पॉइंट में इनकम हो रही थी टेंथ पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी टेंथ पॉइंट का रेफरेंस यहां पर दे रहा हूं मैं थ पॉइंट में जब आप इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब आपको ध्यान क्या रखना है एट लीस्ट नाइंटी परसेंट ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम आफ्टर टैक्स ऑफ द रीट और होल्ड को होल्ड को थोड़ी देर में आए, आएगा तब क्लियर होगा शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिट टू द यूनिट होल्डर एटलीस्ट ऑन हाफ एयरली बेसिस विद इन फिफ्टीन डेज वॉटर दिस मान लीजिए हमने हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है उसका 80 परसेंट कंप्लीट एंड रेवेन्यू जनरेटिंग में इन्वेस्ट करें ना तो हमारा रेंट वगैरह तो तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा तो जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आपने हाफ ईयरली बेसिस पे आप उससे भी जल्दी करना चाहते तो कर लीजिए लेकिन हाफ ईयरली बेसिस पे आपने अगले पंद्रह दिन के अंदर वो पूरा का पूरा इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देना है समझ में आ रहा है कि आपको मान लीजिए हाफ ईयरली बेसिस का मतलब क्या फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल से लेकर आप हाफ ईयर काउंट करो सिक्स मंथ अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त एंड तो फर्स्ट अप्रैल से लेकर सेप्टेंबर एंड तक जो भी इस रीट की इनकम हुई है जो भी इनकम हुई है रीट अपने पास नहीं रख सकता इस इनकम का 90 तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा टू द यूनिट होल्डर्स कितने दिन में विद इन फिफ्टीन डेज तो सेप्टेंबर एंड हुआ तो जैसे ही आपका अक्टूबर है तो 15 अक्टूबर के पहले आपने 90 परसेंट ऑफ द लास्ट सिक्स मंथ्स का इनकम आप चाहो तो क्वार्टरली दो लेकिन हाफ ईयरली से ज्यादा डिले नहीं कर सकता उसके पंद्रह दिन के अंदर आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है 90 परसेंट तक इनकम तो डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है टेन परसेंट चाहे तो रीट अपने पास रख सकता है। जस्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट जब आप ऑफर डॉक्यूमेंट देते हैं और कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता है फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट ऑफर डॉक्यूमेंट और इन्वेस्टमेंट के टाइम पे मिनिमम इनिशियल रीट ढाई सौ करोड़ से कम का इनिशियल ऑफर नहीं कर सकता रीट ढाई सौ करोड़ से कम का इनिशियल ऑफर नहीं कर सकता है रीट ढाई सौ करोड़ से कम का इनिशियल ऑफर नहीं कर सकता है और जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है वो पचास हजार रुपए से कम इन्वेस्ट नहीं कर सकता मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज फिफ्टी थाउजेंड पचास हजार से कम का कोई इन्वेस्ट नहीं करता आप मान लो आपको रीट में इन्वेस्टमेंट करना है कितना करना है साहब पंद्रह सौ रुपए करने नहीं कर सकते मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन रीट सब्सक्रिप्शन है और इनिशियल इश्यू जो है ऑफर वो ढाई करोड़ से कम का नहीं हो सकता फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट हमने लोन लिया था ना पॉइंट नंबर सेवन में लोन लिया था ठीक है साहब पॉइंट नंबर सेवन का रेफरेंस दे रहा हूं लोन का कि जब भी रीट लोन ले रहा है मेरे साथ बने रहना बस यहां पर रेफरेंस खत्म हो गया फिर ये अच्छे से कर लेंगे हम लोग तो मेरे साथ बने रहो जब भी रीट लोन ले रहा है जब रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट इज टेकिंग लोन एग्रीगेट कंसोलिडेटेड बोरोइंग एंड डेफर्ड पेमेंट ऑफ रीट शैल नेवर एक्सीड फोर्टी नाइन परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ रीट अ क्या आप लोन ले सकते हो हाँ ले सकते हो सर कितना भी ले सकते हो हाँ, कितना भी ले सकते हो अरे बट रुको कितना भी मतलब एक लिमिट तो है ना कि आपका मैक्सिमम लोन कितना हो सकता है आपके जो रीट के असेट्स हैं, रीट के हैं हैं उनका 49 से ज्यादा का आप लोन ले नहीं सकते तो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कितना लोन ले सकता है दी एग्रीगेट कंसोलिडेटेड बोरिंग एंड डेफर्ट पेमेंट डेफर्ट पेमेंट मतलब जो आपका पेमेंट देना बाकी है आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है लोन और आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट न नेवर एक्सीड फोर्टीट परसेंट ऑफ रीट असैट के की जो भी वैल्यू उसका मैक्सिम फोर्टीट जो है अप्रूवल लेना पड़ता है देखो क्या लिखा है उसके बाद में इन केस सच बोरिंग डेफिट पेमेंट एक्सीड ट्वेंटी अप्रूवल फ्राम यूनिट होल्डर एंड क्रेडिटिंग शेल समझो पहले नहीं इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे आराम से समझो लोन का पॉइंट क्या कहता है सबसे पहली चीज क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लोन ले सकता है क्या? The answer is yes, टेक लोन. Okay, लोन पे टोटल रीट असेट 49%, 49 ठीक है कुछ अप्रूवल वगैरह क्या चाहिए तब तक कोई अप्रूवल नहीं है 25% के अंदर जब तक आप लोन ले रहे तब तक कोई लिमिट नहीं है जिस मोमेंट आपकी लिमिट 25% फाइव परसेंट टच होकर हो रही है 25% तक कोई लिमिट नहीं है जैसे 25% फिर आपकी हो रही है तब दो रिक्वायरमेंट आ जाएगी एक तो आपको यूनिट से भी लेना होगा कि हमने टोटल रीट के असेट्स का 25 तक तो लोन ले लिया है, उससे लोन ले रहे हैं अप्रूवल एंड दूसरा क्रेडिट रेटिंग ऑप्टेन करना पड़ेगा क्रेडिट रेटिंग ऑप्टेन करना पड़ेगा आई होप वो क्लियर आई को अच्छे से चलो यसर सारे रेफरेंस पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं रेफरेंस पॉइंट कहां कहां आ रहे हैं फोर और फाइव में आया उसके बाद में सेवन लोन लेते टाइम आया उसके बाद में एट इन्वेस्टमेंट के टाइम पे वैल्यूएशन का भी ध्यान रखना है और एटी ट्वेंटी रूल का भी ध्यान रखना है और डिस्ट्रीब्यूट नाइन्टी परसेंट कर देना है अब सुनना 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 अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो मजा आएगा यहां पर यहां पर देखते हैं क्या क्या सबसे पहले क्या होता है स्पॉन्सर आया था ठीक है उसको लेकर कोई अपने रेफरेंस पॉइंट नहीं पढ़ा स्पॉन्सर आ गया स्पॉन्सर आने के बाद में ट्रस्टीज आ गए थे ना पे पढ़ा, है, मैंने, 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 पढ़ा है। मैंने क्या पढ़ा है? कि जब भी करने जाएंगे तो कम से कम इनिशियल कितने का होगा ढाई करोड़ का होगा यह रेफरेंस है फोर्थ पॉइंट दैट कम से कम इनिशियल ऑफर कितने का होगा ढाई करोड़ का होगा क्लियर है तो हम यहाँ पे मैं, आपने लिखना नहीं बस आईडिया दे रहा हूं ऑफर डॉक्यूमेंट कम से कम क्या है ढाई करोड़ का कम से कम इनिशियल ऑफर होगा राइट कोई भी व्यक्ति जब इन्वेस्ट करेगा तब इन्वेस्ट वो पचास हजार से कम नहीं कर सकता है ये भी रेफरेंस में पढ़ा हमने कि भाई हर एक व्यक्ति के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा फिफ्टी थाउजेंड रुपीस ओके okay. उसके बाद में यूनिट्स अलॉट हो गए ठीक है सेवेंथ पॉइंट के अंदर उसने क्या करा लोन लिया और जब लोन लेने गया ना वहां पर लिमिट पड़ी मैक्सिमम लोन कितना ले सकता है फोर्टी ऑफ द रीट असैट कि रीट के एसेट का जो टोटल एसेट से रीट के उसका 49 परसेंट से ज्यादा लोन है नहीं ले सकता है लोन कितना ले सकते हैं उसमें भी जब 25 से करेंगे तब हमें यूनिट होल्डर का अप्रूवल लेना होगा ये सेवन पॉइंट है ठीक है उसके बाद तो हम इन्वेस्ट करने इन्वेस्ट करते रहे दो चीजों का ध्यान रखना है एक तो एटी ट्वेंटी रूल का इन्वेस्ट करते टाइम एक तो एटी ट्वेंटी रूल का ध्यान रखना है सर ट्वेंटी रूल मतलब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रीट के असेट मिनिमम एट्टी परसेंट एटलीस्ट एसेंट ऑफ टोटल रीटसेटेड इन वेर कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग और ईयरली बेसिस होगा? तो होगा, होगा क्या क्या अपडेशन और जब भी आपका अपडेशन हो, हो रहा है उसके पंद्रह दिन के अंदर एनएवी डिक्लेयर होगी म्यूचुअल फंड में डेली डिक्लेयर होती है यहां पर भाई साहब हाँ छह महीने के कर दो छह महीने खत्म होंगे अपडेट हुआ पंद्रह दिन में एनुअल वापस एनुअल आ जाएगा एनुअल हुआ पंद्रह दिन में एनुव डर क्लियर उसके बाद में इनकम हुई डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था हमने मिनिमम कितना 90% जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आफ्टर एवरी हाफ ईयर अगेन विद इन डेज जैसी हाफ ईयर कंप्लीट हुआ इस हाफ ईयर की जो भी इनकम हुई है वो आपको विद इन फिफ्टीन डेज मिनिमम नाइनटी परसेंट डिस्ट्रीब्यूट कर ही देनी है आई होप यू आर ऑल विथ मी नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रक्चर मैंने स्ट्रक्चर में कुछ माइनर एडिशन कर दिया अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा एरो एंड ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्स होगा बिकॉज सिर्फ ईजी चीजें पढ़ के भी सेंस नहीं बनेगा नाव टेल मी आर यू ऑल विथ मी एकदम एकदम कंफर्टेबली एकदम कंफर्टेबली अब आपने कैसे पढ़ना है रुक जाओ कोई जल्दबाजी नहीं अभी अभी मैं आपसे बात नहीं कमेंट सेक्शन पर आया नहीं हूँ फोकस करेंगे अच्छे से अभी भी क्या आपने शांति से बैठना है ठीक है हमने यहां पे पूरा रीड का स्ट्रक्चर देखा रीड के स्ट्रक्चर में हमारे साथ आ रहे हैं टेन पॉइंट्स टेन चलो एकदम सिंपल आंखें बंद करके बैठो अरे बात तो मानती ही नहीं आप मेरी आप सबको अटेम्प्ट की कसम में आंखें बंद कर लो आप सबको अपने अटेम्प्ट की कसम आंखें बंद कर लो सब लोग चलो आंखें बंद कर ली चलो सबसे पहला पॉइंट क्या था एकदम रीड शुरू हुआ था सबसे पहला आया था, था। स्पॉन्सर रीट बन गई रीड हैज बीन क्रिएटेड एज अ ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट स्पॉन्सर आ गया ठीक है स्पॉन्सर ने अपॉइंट कर दिया ट्रस्टीज को हो गया ट्रस्टीज ने अपॉइंट कर दिया मैनेजर को स्पॉन्सर ट्रस्टी मिलकर अपॉइंट कर देता है ठीक है मैनेजर भी अपॉइंट हो गया चलो फोकस करो अच्छे से ठीक है इन्होंने उसके बाद में ऑफर डॉक्यूमेंट इशू किया ऑफर डॉक्यूमेंट के बेस पे लोगों ने इन्वेस्ट किया तब यहां पे हमने दो पॉइंट पढ़ा कि ऑफर डॉक्यूमेंट इनिशियल ऑफर टू बी ऑफ 250 करोड़ जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्ट करेगा मिनिमम फॉर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज

फुल वैल्यूशन होगा एनुअली और सिक्स मंथ्स के बाद होगा अपडेशन और उसके पंद्रह दिन के अंदर आपको एन्य डिक्लेयर करना है फिर जो इनकम होगी वो होगा डिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ा कि कम से कम 90 परसेंट ऑफ द टोटल नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम हैज टू टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट होल्डर्स इन इन एवरी मंथ्स मंथ्स विद नेक्स्ट डेज जैसे हुआ जो भी इनकम हुआ अगले पंद्रह दिन के अंदर आपको क्या कर देनी है डिस्ट्रीब्यूट नाउ टेल मी आर यू ऑल विथ मी नाउ टेल मी आर यू ऑल विथ मी नाउ टेल मी आर यू ऑल विथ मी ये पीपल मैं आपके कमेंट सेक्शन पे भी आ रहा है सुनील साहब प्लीज डिस्टर्ब मत करो कमलेश प्लीज हैव सम पेशेंस एकदम सिंपल मतलब व्हाट आई सेड कि मैं मेरे से मैं मेरे हिसाब से पूरे जो पांच चार पढ़ा देता हूं बिकॉज कैसे आप डायरेक्टली रश करेंगे ना तो मजा नहीं आएगा आई मेड प्लान जो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो सारे मैं कवर करके चलेगा ठीक है तो आप चिंता मत करो ठीक है आप लोग मुझे मेरे स्ट्रक्चर से पढ़ा देंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा सो दैट टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ओके okay? चलिए आर यू मी जस्ट मी आर यू यू मी मी यस पीपल आर एकदम विदमी समझ में आ रहा है कोई परेशानी की बात नहीं सारे रेफरेंस वाले पॉइंट क्लियर हो रहे ना रेफरेंस वाले पॉइंट अब ये नोट्स मैं आपको दूंगा तब आप इस पर स्ट्रक्चर देखोगे और यहां पे आपके सारे रेफरेंस पॉइंट लिए होंगे लिखे होंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन होगा भी नहीं आभी क्लियर आभी क्लियर।, आभी क्लियर बहुत ईजी है एकदम क्लियर है चलो यस पीपल चलो लक्ष्मी कह रहे करोड़ कैन यू रिपीट इट्स वेरी सिंपल वेन एवर रीट इज मेकिंग अ इशू पहला इशू हो रहा है तो वो इशू कम से कम ढाई सौ करोड़ होना चाहिए कोई रीट ये नहीं कह सकता हम तो सौ करोड़ का इशू करेंगे नहीं तो इंडिया में छोटे मोटे रीट होंगे ही नहीं रीट बड़े ही होंगे आगे पढ़ाऊंगा कि टोटल मिनिमम फाइव हंड्रेड करोड़ सही टाइम पे आने दो उसको क्लियर है हम लोग चलो यस पीपल उट्रक्टर दिस इज दीड एंड आपके हाथ में कोई भी नोट्स इसके नहीं अभी आपको थोड़ा सा अधूरा अधूरा लगना चाहिए मतलब आपको लगना चाहिए कि हाँ हाँ अच्छे से थोड़ा बहुत याद आ रहा है एंड फिर जब आप कल पढ़ने बैठोगे ना आप मॉड्यूल से पढ़ो जहां से भी आप पढ़ोगे ना तो अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ बी एबल टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स एंड यूल बी हंड्रेड परसेंट थरू अरे देखो मेरी बात समझो कि ये रेगुलर बैच के अंदर मुझे भी लगे होंगे दस से पंद्रह घंटे पढ़ाने में दस घंटे कम से कम मुझे लगे होंगे रेगुलर बैच में अब मैं अगर एक डेढ़ घंटे के अंदर उसको रिवाइज कराना चाह रहा ना तो आपको हंड्रेड परसेंट उसके अंदर पूरा डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा एक बार बट सारे क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे चलो बताओ यस पीपल आगे बढ़ रहा हूं मैं यहाँ पे चलो फोकस करो अच्छे से यस पीपल चल 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 बस अब आप लोग वापस थोड़ा पेशेंस रखिएगा ठीक है ना मैं कह रहा हूँ जिस तरह से मैंने प्लान किया उस तरह से कहना बिल्कुल परेशानी नहीं होगी क्योंकि अगर थ्रू आउट द टाइम हम लोग अगर इसमें रह गए ना कमेंट्स में तो उसमें आप सबका समय बड़ा वेस्ट हो जाएगा क्लियर है तो समय पूरा इन्वेस्ट होना चाहिए चलो गो और बहुत ही प्यारी सी चीज मैंने सोची एंड में आपके जो आपको छोटे मोटे कंसर्न भी आते ना उसको भी हम एंड टू एंड बात करके जाएंगे उस बारे में तो चिंता नहीं करने की यस पीपल चलिए अब आ रहा हूं मैं चार्ट नंबर टू के ऊपर चार्ट नंबर टू इज अ वेरी इजी चार्ट ये हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करेगा ये बहुत इजी वाला चार्ट है किसी को परेशानी हो गया चार्ट थ्री पे आना तब आएगा मजा चार्ट थ्री पे आएगा मजा इन्वेस्टमेंट कंडीशन की जब बात करेंगे मैं आपको क्या कह रहा हूं आज पूरे इन्वेस्टमेंट कंडीशन को पानी नहीं कर दिया ना मेरा नाम बदल देना एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे इन्वेस्टमेंट कंडीशन को यह तो आपको पहले से आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फोकस करेंगे अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फोकस करना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी इजी एम जस्ट टॉकिंग अबाउट थ्री पीपल रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये स्पॉन्सर है सबसे पहले स्पॉन्सर के बारे में बात कर रहा हूं पूरा फोकस यहां पर स्पॉन्सर के बारे में बात करने पहले चलो अब मेरा कोई कमेंट वगैरह भी नहीं है तो आपका पूरा फोकस यहां पे चाहिए मुझे ठीक हंड्रेड परसेंट फोकस यहाँ पे एंड आप सबसे मैंने कहा है कि आप लोग अपने कमेंट्स को ऑफ ही करके रखो ताकि पढ़ाई पे ध्यान रहे पूरा स्पॉन्सर के पास हर एक व्यक्ति की यूनिट होल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं फोकस करना अच्छे से यूनिट होल्डिंग हम पढ़ रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि रीट स्टार्ट करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो एलिजिबिलिटी पहला पॉइंट आता है यूनिट होल्डिंग इंडिविजुअल यूनिट होल्डिंग होनी चाहिए इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति के पास फाइव परसेंट फाइव परसेंट फाइव परसेंट मान लीजिए तीन है तो तीनों के पास फाइव परसेंट फाइव परसेंट फाइव परसेंट यूनिट होल्डिंग होनी चाहिए मतलब टोटल यूनिट जितने भी हैं उसका फाइव 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 परसेंट हर एक स्पॉन्सर ने खरीदना होगा मिनिमम ज्यादा खरीद सकते हैं वो चाहे तो बट कम से कम फाइव परसेंट खरीदना होगा जैसे कि आप सिक्योरिटीज लॉ में पढ़ते होंगे हुँ, पढ़े होंगे ना कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग ट्वेंटी परसेंट होनी चाहिए आप आईसीडीआर में फंडिंग में भी पढ़े होंगे कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग ट्वेंटी परसेंट होनी चाहिए मिनिमम प्रमोटर शेयर होल्डिंग ट्वेंटी परसेंट होनी चाहिए उसी प्रकार से हर एक स्पॉन्सर के पास में फाइव परसेंट ईच यूनिट होल्डिंग होनी चाहिए इंडिविजुअली एंड एग्रीगेट में अगर मैं बात करूं कलेक्टिवली सारे स्पॉन्सर के पास कलेक्टिवली होनी चाहिए ट्वेंटी फाइव परसेंट आई होप आई एम क्लियरली कम्युनिकेटिंग हर एक स्पॉन्सर के पास फाइव परसेंट मान लो तीन ही स्पॉन्सर है तो फाइव परसेंट फाइव परसेंट फाइव परसेंट फिफ्टीन परसेंट तो हो गई लेकिन एग्रीगेट कलेक्टिवली कम कम से कम कितनी होनी चाहिए तो किसी ना किसी स्पॉन्सर को और एडिशनल भी लेना होगा तो कलेक्टिवली ऑल द शुड कलेक्टिवलीस मैंडेटरीलीव मिनिमम ऑफ ट्वेंटी मैक्सिमम कितना भी जाओ कितना भी जाओ मतलब जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है ना वो हैम्पर मत करो बाकी आप कितना भी जाओ सेवेंटी फाइव परसेंट तक जा सकता है आराम से कोई भी स्पॉन्सर सो अंडरस्टैंड कलेक्टिवली कम से कम ट्वेंटी फाइव परसेंट और इंडिविजुअली कम से कम फाइव परसेंट ओके फोकस करना अच्छे से कलेक्टिवली कम से कम ट्वेंटी फाइव परसेंट होनी चाहिए फॉर इनिशियल थ्री ईयर्स लेकिन अगर आप रीड के स्टार्ट होने के तीन साल बाद चाहें तो उसको फिफ्टीन परसेंट तक रिड्यूस कर सकते हैं कलेक्टिव

नेटवर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिविजुअली 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़। हर एक व्यक्ति जो रीट का स्पॉन्सर बनना चाहता है उसका खुद का नेटवर्थ 20 करोड़ होना चाहिए एंड नेटवर्थ में भी अगर मैं बात करता हूं कलेक्टिवली तो कलेक्टिव नेटवर्थ हैज़ टू बी ऑफ 100 करोड़ वेरी इजी इंडिविजुअल नेटवर्थ टू बी ऑफ ट्वेंटी हर एक प्रमोटर को हर एक स्पॉन्सर को फाइव ईयर फाइव ईयर का फाइव ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्सपीरियंस दूसरे कलर से लिखता हूं तो आपके लिए समझ में आएगा कि तीन फैक्टर्स है ये कम से कम ये क्वालिफिकेशन आप सबके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए Experience. Five year, five year, five year. चलो एकदम सिंपल तरीके से एकदम सिंपल तरीके से यहां पे बैठो और सोचो क्या पढ़ा है मैंने एकदम अरे मेरा कहना है सिर्फ पढ़ना नहीं पढ़ के रैप अप करके दिमाग में चिपका के ओवर कर देना इसको भी -भी। ठीक है मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूं एंड ऑफकोर्स सुनो मैं आई एम माई सेल्फ सेंगे इन दिस वन एंड हाफ आवर का रिविजन आई कैनॉट कवर हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट यहाँ पे कवर नहीं हो सकता बट हर क्रिटिकल एंगल मैं पे कंप्लीट कर दूंगा सो जब आप रीड करेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा एवरी क्रिटिकल एंगल वुड बी कवर्ड हियर दैट इज फॉर श्योर चलो अब मैं बात करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पॉन्सर ठीक है तीन ग्राउंड है सबसे पहला आ जाता है यूनिट होल्डिंग दूसरा आ जाता है क्या नेटवर्क तीसरा आ गया एक्सपीरियंस ठीक है यूनिट होल्डिंग हर एक के पास इंडिविजुअली फाइव 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 परसेंट होनी चाहिए कलेक्टिवली ट्वेंटी फाइव परसेंट होनी चाहिए फॉर फर्स्ट थ्री लेटर ऑन इट कैन बी रिड्यूड अपू फिफ्टीन परसेंट अगर मैं बात नेटवर्थ की इंडिविजुअली हर एक का करोड़ ट्वेंटी करोड़ ट्वेंटी कलेक्टिवलींसेंट फाइव 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 इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं हमारे मासूम से ट्रस्टीजी तो को कोई लोड ही नहीं है ट्रस्टी सबसे आसान जाता है यहाँ पे ट्रस्टीज शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन नाइनटीन नाइनटी थ्री बस खत्म ट्रस्टीज को लेकर एलिजिबिलिटी है ध्यान रखना है कि दर इज अ रेगुलेशन सेबी डिवेंचर ट्रस्टी रेगुलशन नाइनटी नाइनटी थ्री उसमें ये एज अ ट्रस्टी रजिस्टर होनी चाहिए तो कोई भी व्यक्ति अगर रीट का ट्रस्टी बनना चाहता है तो उसने पहले खुद को रजिस्टर करना होगा एज 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 अ अ ट्रस्टी 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 अंडर सेबी रेगुलेशन इजी अब सुनना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है फोकस करना अच्छे से विध रिस्पेक्ट टू दिस रीट मैनेजर है वैसे बहुत आसान है कोई परेशानी की बात नहीं है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है तो पूरा फोकस आपको बनाए रखना रीड मैनेजर के बारे में बता रहा हूं चलो हंड्रेड परसेंट फोस यहां पर क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी रही बस खत्म हो जाएगा स्पॉन्सर के बारे में बता दिया मैंने ट्रस्टी का कुछ है नहीं ट्रस्टी में पूछा नहीं जा सकता एग्जाम में ऐसा कोई स्ट्रॉली रीड मैनेजर का समझ लो अच्छे से फोकस करना अच्छे से रीड मैनेजर के बारे में बता रहा हूं पहला पॉइंट पहला पॉइंट इफ रीड मैनेजर इज अ कंपनी इफ रीड मैनेजर इज अ कंपनी एक कंपनी को रीड मैनेजर अपॉइंट किया गया है न मिनिमम नेटवर्थ हैज टू बी टेन करोर इफ रीट मैनेजर इज अ कंपनी मिनिमम नेटवर्थ हैजू बी टेन करोर इफ रीट मैनेजर इज अल एल पी यही दो हो सकते हैं देन मिनिमम टेंजेबल असेट हैज टू बी टेन करोर पहली कंडीशन समझ में आ रही है क्या कि देखना होगा कि रीट मैनेजर इज अ कंपनी और एल एल पी इफ इट इज अ कंपनी देन द मिनिम नेटवर्क टू बी टेन क्रोर एंड इफ इट इज एन एल एल पी देजेबल क्लियर समझ में आया एकदम सिंपल है एकदम सिंपल फोकस करना अच्छे से चलो फोकस वेरी केयरफुल उसके आगे बात करता हूं रीट मैनेजर की बात करूं सेकेंड पॉइंट एक्सपीरियंस ऑफ रीड मैनेजर हैजू बी फाइव इस एकदम सिंपल फोकस करो अच्छे से फोकस करो ठीक है दी एक्सपीरियंस ऑफ रीड मैनेजर है उनके रेलवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइक स्पॉन्सर साथ में रीड मैनेजर नीड्स टू हैव एटलीस्ट टू की रीड मैनेजर नीड्स टू हैव एटलीस्ट टू की पर्सनल इच हैविंग स ऑफ एक्सपीरियंस ओके ओके वेरी इजी सो रीड मैनेजर के पास खुद के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइव उस कंपनी के पास साथ में उनके पास कम से कम दो ऐसे की पर्सन होना चाहिए लास्ट पॉइंट है बहुत खास है इफ रीड मैनेजर इज अ कंपनी फोकस वेरी केयरफुली विथ मी इफ रीड मैनेजर इज अ कंपनी फोकस करना बहुत अच्छे से इफ रीड मैनेजर इज अ कंपनी देन फिफ्टी परसेंट ऑफ इट्स डायरेक्टर्स फिफ्टी परसेंट ऑफ इट्स डायरेक्टर्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट फिफ्टी परसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स हैव टू भी इंडिपेंडेंट ठीक है साथ में साथ में एंड नॉट वर्किंग फॉर अनदर रीड एंड नॉट वर्किंग फॉर अनदर रीड तो वो फिफ्टी परसेंट इंडिपेंडेंट होने चाहिए और वो किसी और रीड में काम नहीं करने चाहिए थी, ठीक है रुचो अभी एंड इफ इट इज अ एल एल पी देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द गवर्निंग बॉडी एलपी में जो गवर्निंग बॉडी है दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट एंड साथ में सेम पॉइंट नॉट वर्किंग फॉर अनदर रीट साथ में नॉट वर्किंग फॉर अनदर रीट ये हो गए चार कंडीशन यहां पे पूरा हंड्रेड परसेंट फोकस यहां पे हंड्रेड पर्सेंट फोकस मुझे आप सबका यहां पे चाहिए फोकस करना अच्छे से चलो ठीक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं एकदम आराम से यहां पे आप लोग लेंगे कंफर्टेबली वन मिनट टेक वन मिनट एंड सी वेदर यूर अंडरस्टैंडिंग दलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेक वन मिनट एंड सी वेदर यूर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग छोड़ो वेदर यू आर एबल टू रिमेंबर याद हो गया कि नहीं हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुझे बताओ एकदम शांति से टेक वन मिनट टेक वन मिनट ओके Are you all with me? नहीं, मुझे तो पूरा याद हो जाना चाहिए अभी खत्म हो गया हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फोकस करो दिमाग में भी चिपक जाना चाहिए अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो की बात करता हूं एलिजीबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूँ स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड देन टॉकिंग अबाउट द रीट मैनेजर स्पॉन्सर की बात करते हैं तीन ग्राउंड है. पहला ग्राउंड हो जाता है हमारा यूनिट होल्डिंग का यूनिट होल्डिंग फाइव परसेंट इंडिविजुअली कलेक्टिवली ट्वेंटी फाइव परसेंट फॉर फर्स्ट थ्री इय एंड लेटर ऑन हमेशा आपको ध्यान रखना है मिनिमम परसेंट का मिनिमम फिफ्टीन परसेंट यूनिट्स है वो स्पॉन्सर के पास ही रहने चाहिए उसके बाद में पढ़ा अब इंडिविजुअली ट्वेंटी 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 एग्रीगेट हंड्रेड और लास्ट एक्सपीरियंस फाइव इको सिंपल ट्रस्टी में ऐसा कुछ ज्यादा पढ़ना है ट्रस्टी मीन ट्रस्टी हैजिस्टर्ड एज अ ट्रस्टी अंडर सेवीरेशन थ्री और लास्ट में बात करता हूं रीट मैनेजर की रीट मैनेजर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं है थोड़ा सा परेशानी दे सकता है देखो चार पॉइंट है पहले

सबको चाटमेटू पूरा दिमाग में चिपक गया ना खत्म हो गया चाटमेटू चिपक चुका है तो हम लोग आगे जाके बात कर सकते हैं आर यू ऑल कम फिल विमेटू बस 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 अरे क्या बात है दिमाग में बैठ गया तो बात ही खत्म हो जाती है अदिति बेटा जी अभी मत पूछिए मतलब मैं अभी गवर्निंग बॉडी क्या होता है एलपी का हम वहां नहीं जा पाएंगे और एंड में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा से एक सोल्यूशन भी दूंगा तो बस आप अभी उस पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो राइट ओके ओके वेट उसके लिए अभी हम इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं चलो येस yes, पीपल चलो सब लोग बने रहेंगे कोई भी आपका इशू ना उसके लिए एंड में हम लोग बात कर पाएंगे अब फाइनली मैं जाना चाहता हूं चार्ट थ्री के ऊपर चार्ट थ्री वो है जिसके लिए हम लोग आज मिले हैं ऐसा समझ लो आप ठीक है हम सबको सब कुछ of course पढ़ेंगे चार्ट में जनरली कंफ्यूजन हो जाता है आप लोग सबसे पहले देखो सुनो भली आपके अभी मन में कुछ भी सवाल हो उन सबको होल्ड रखते हुए एकदम शांति से खुद से आंखें बंद करके देखो चार्ट नंबर वन स्ट्रक्चर आर यू ऑल क्लियर चार्ट नंबर वन स्ट्रक्चर आर यू ऑल क्लियर प्रॉपरली ठीक है चार्ट नंबर टूट

100% परसेंट फोकस के साथ यहां पे कुछ भी बात नहीं करेंगे सिर्फ यहां मेरी बात को सुनेंगे इन्वेस्टमेंट कंडीशन फोकस वेरी केयरफुली फोकस वेरी केयरफुली हाउ इट वर्क्स इज लुक

बहुत केयरफुली समझना यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट है मतलब मेरे हिसाब से बहुत आसान है बट आप नॉर्मली इसमें कंफ्यूज हो जाते हो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चल यहां पे आ जाओ सब लोग बच्चे अच्छे से ठीक है रीट रीट ने वैसे तो इन्वेस्ट करना है काफी देखो इवेंचुअली दे कैन इन्वेस्ट ओनली इन रियल एस्टेट असेट इन पर रेस्ट्रिक्शन है कि रीट इन्वेस्ट कर सकता है सिर्फ रियल एस्टेट असेट पर तो चाहे तो ये ट्रस्ट डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दे रियल एस्टेट असेट में ये ट्रस्ट चाहे तो डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकती है कि कोई रियल एस्टेट असेट मिला कि लगा यार यहां पे कमर्शियल बिल्डिंग्स है कि कमर्शियल बिल्डिंग में आर फिफ्टी शॉप्स खरीद लेते रीट चाहे तो रियल एस्टेट असेट में इन्वेस्ट कर सकता है डायरेक्टली सही है कर सकता है बट प्रॉब्लम ये होती है कि अगर डायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया पहला क्वेश्चन है इज इट अलाउड और नॉट ऑफकोर्स इट इज अलाउड दिस इज अलाउड वट एफसेट रीट कैन डायरेक्टली इन्वेस्टेड असेट बट दॉब्लम रीट डायरेक्टली इट से मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है सुना ध्यान से मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसा कोई भी असेट पूरा का पूरा मिलता ही नहीं आज की तारीख में जबकि रीट इन्वेस्ट करता है देखो पांच 500, 500 करोड़ के असेट्स में बड़े बड़े असेट्स में तो वैसे असेट्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना मुश्किल होता है तो उसके लिए नॉर्मली कैसे होता है कोई भी रियल एस्टेट असेट है असेट नहीं asset लिखता हूं। कोई भी रियल एस्टेट असेट है तो रीट उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता है रीट इन्वेस्ट करता है एक एसपीवी में और एसपीवी इन्वेस्ट करता है और रियल एस्टेट असेट में ये सबसे कॉमन चीज है इंडिया में जो होती है इंडिया में रीट ही बहुत कम है बट जो कॉमन चीज देखी जाती है ना इंडिया के वर्ल्ड वाइड दैट रीट डायरेक्टली देखो डायरेक्टली कर सकता है ये नहीं बोल रहा हूं कि फर्स्ट अलाउड तो है ना बट नॉर्मली डायरेक्टली नहीं करता वो इन्वेस्ट करता है किसी एसपीवी में और वो एसपीवी इन्वेस्ट करती है, असेट में। रीट इन्वेस्ट करता है किसी एसपीवी में और एसपीवी इन्वेस्ट करती है असेट में। ऐसा क्यों होता है फर्स्ट पूरा पूरा लाइन बोली उसको मैं केस वन बोल देता हूं ये केस वन थियोरिटिकली पॉसिबल है केस वन उतना प्रैक्टिकल नहीं है केस टू प्रैक्टिकल है उसमें क्या होता है मान लीजिए कोई कोई बहुत बड़ा व्यक्ति एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है एक मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन किया है पूरा कंस्ट्रक्शन कर चुका है, होना चाहिए। हो चुका है और रियल एस्टेट एसेट है जिसकी वैल्यू है दो करोड़ लेना चाहती है लेकिन वो ले नहीं सकते तो बहुत सारे लोग मिलकर उसको लेते हैं बहुत सारे लोग मिलकर उसको लेते हैं तो ये जो एसपीवी है एसपीवी में शेयर्स जो है वो खरीदता है रीट

रीट शेयर्स खरीदता है रीट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखता है होल्ड को में उसके बाद में ये होल्ड को भी चाहे तो होल्ड को भी चाहे तो सेम यही खेल है ये इस तरह से करता है या फिर होल्ड को चाहे तो होल्ड को भी डायरेक्टली में इन्वेस्ट कर सकता है ये नहीं आ इनके रूल्स पे तो फिर जाऊंगा संभावित केस हैं जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो सकता है देखो सबसे इमेजिन करो जब मैं केस वन बोल रहा हूं टू थ्री फोर को भूल जाओ केस वन क्या है, यार एक रीट को लगता है कि वो डायरेक्टली खुद ही रियल एस्टेट अटेट में इन्वेस्ट करना चाहती है कर सकती है कर सकती है दूसरा रीट को होल्ड को वगैरह की जरूरत नहीं है रीट चाहती है कि मैं किसी एसपीवी में इन्वेस्ट करूं और वो एसपीवी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करे अलाउड है कोई परेशानी की बात नहीं है तीसरे में क्या होता है कि क्या करती है एक होल्ड को क्रिएट करती है फिर वो होल्ड को एसपीवी में इन्वेस्ट करता right? है राइट और चौथा केस ये है कि रीट होल्ड को करती है और होल्ड को डायरेक्टली फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में भी रियल एस्टेट अस्टेट में इन्वेस्ट कर देता है बट इसको बेटर समझने के लिए आपको मैं पूरी हाइराइ की बताने की कोशिश करता हूं कि होता कैसा है होल्ड को नॉर्मली तब क्रिएट होता है जब मल्टीपल एसपीवी पिक्चर में आ रही है बहुत अच्छे से समझना केस थ्री हम होल्ड को वाला ले रहे हैं समझ में आ रहा है क्या? कि एक कंपनी है, उसको मल्टीपल एसपीवी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है एक कंपनी उसको मल्टीपल रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होल्ड को फॉर्म करती है होल्डिंग कंपनी होल्ड को और होल्ड को, को बोलती है कि आप सारे शेयर्स को होल्ड करो आप सारे शेयर मेरी बात को ध्यान से इसका फायदा क्या है अगर मान लीजिए होल्ड को नहीं होता मेरी बात को समझने की कोशिश करना फिर मैं रूल्स पे आऊंगा मान लेते हैं कि ये होल्ड को यहां पे नहीं होता तो फिर रीट को इन्वेस्ट करना होता सारे एसपीवी में सारे एसपीवी के सारे decisions को सब मैनेजमेंट रीट को करना होता रीट कौन से फॉर्म में रीट इज क्रिएटेड इन विध फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट ट्रस्ट का मैनेजमेंट कभी उतना स्ट्रॉग नहीं होता मैनेजमेंट में बेस्ट फॉर्मेट होता है कंपनी का लेकिन क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी के फॉर्म में हो सकता है कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं इंपॉसिबल है तो ये क्या करते हैं सुनना ध्यान से रीट तो फॉर्म कर लेते हैं ट्रस्ट के फॉर्म में फिर रीट ने बना दी एक होल्ड को होल्डिंग कंपनी और पूरा का पूरा आगे का मैनेजमेंट कौन कर रहा है होल्डिंग कंपनी तो प्रैक्टिकली पता है क्या करते हैं प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है देखना मेरी बात को अच्छे से ये रीट हुआ रीट ने सिर्फ एक होल्ड को ही बनाया रीट ने एक होल्ड को रीट ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं सिर्फ एक होल्ड को बना दिया अब सारा का सारा इन्वेस्टमेंट होल्ड को संभाल रहा है सारा का सारा इन्वेस्टमेंट होल्ड को संभाल रहा है यह यहां पे कुछ एसपीवी आ गई है वो आगे इन्वेस्टमेंट कर रही है कभी कभी डायरेक्टली हुआ कि फॉर्म में मैनेजमेंट इज नॉट सो इजी ट्रस्ट का काम इतना ही रखते हैं कि यह स्पॉन्सर आया ये ट्रस्टी आए ये लोग आए ये पैसा कलेक्ट कर कले लिया बस इतना सा काम ट्रस्ट का रखते हैं आगे का इन्वेस्टमेंट का पूरा काम दे दिया आपने होल्ड को दिस इज अ बेटर वे ऑफ मैनेजमेंट

इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो होल्ड को क्रिएट करती है और वो होल्ड को आगे के पूरे के पूरे आपके इन्वेस्टमेंट मैनेज करती है आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस तो मैं आगे लिमिट्स पे रूल्स पे आता हूं आर यू अंडरस्टैंडिंग वॉट आर द वेस तीन केस वन केस टू केस थ्री तीन ऑप्शंस है थर्ड इज द बेस्ट वन बट थर्ड इज द मोस्ट कॉम्प्लीकेटेड वन एज वेल समझ में आया क्या मैं कमेंट्स पे आ रहा है आपके तो सीरियस होकर पढ़ाई करो यार यहां पे आप जबरदस्ती मतलब कोई चिड़चिड़ चिड़ नहीं बना आप लोग गधों कैसी कैसी बातें कर रहे हो अभी चलो वेरी गुड कमलेश वेरी गुड वेरी गुड आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन लक्ष्मी उधर नहीं जाएंगे हम लोग अभी अलीशा पूछ रहे हैं होल्ड यस इट कैन का तो मैं भी क्वेरीज नहीं ले रहा हूँ वो एक दो तो जो मुझे ऊपर दिख गई मैंने ले ली अदरवाइज विल बी इम्पॉसिबल टू टेक द लेक्चर ओके एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल मतलब हमने कोई भी एक एंटिटी को क्रिएट किया एक उद्देश्य के लिए एक कंपनी को बनाया सिर्फ एक उद्देश्य के लिए कि ये इस पर्पज के लिए कंपनी को बनाया स्पेशल पर्पज अ कंपनी इज बीन इनकॉर्पोरेट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज सिर्फ इन्वेस्टमेंट हैंडल करने के लिए कंपनी बनाई है स्पेशल पर्पज व्हीकल चलो क्लियर हो गया हम लोग यहाँ पे अब लिमिट्स में जा रहे हैं तो अब लिमिट्स में जाएंगे अब चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी सबसे पहले चीज ये क्लियर है कि भाई साहब ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं अब हम सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन के साथ आगे बढ़ते हैं ठीक है देखो केस वन केस यू तो ईजी है ना तो उसमें इश्यू ही नहीं है सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस बन सकता है केस थ्री तो हम केस थ्री को समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि कॉम्प्लिकेट वाला समझ लिया तो बाकी तो बहुत ही ईजी जाएंगे चलो फोकस करेंगे अच्छे से पीपल फोकस वेरी फोकस वेरी केयरफुलरफुल यहां पर चलो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होल्ड को में इन्वेस्ट करता है होल्ड को एसपीवीज में इन्वेस्ट करती है और एसपीवी वापस रियल एस्टेट असेट में करती है होल्ड को चाहे तो डायरेक्टली भी रियल एस्टेट असेट में इन्वेस्ट कर सकता है चलो अब समझना अच्छे से क्या क्या रूल है अब मैं रूल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत केयरफुली रहना है यहाँ पे यहां पर आप गलती करते हो यहां पर बहुत संभावना है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो फोकस करना रियल एस्टेट जब भी होल्ड को मैं इन्वेस्ट करती है तो लिमिट है वहां पर क्या फोकस करना रीट मस्ट होल्ड फिफ्टी परसेंट और मोर शेयर्स इन होल्ड को सबसे पहली लिमिट पढ़ा रहा हूं क्या रीट के पास होल्ड को के कितने शेयर्स होने चाहिए रीट के पास होल्ड को के कम से कम 50 परसेंट शेयर होने चाहिए कॉमन मिस्टेक जो आप करेंगे वो आपके दिमाग में रहेगा मोर मोर देन देन 50 50 नहीं होल्डिंग कंपनी कंपनी की डेफिनेशन जो एक्ट में दैट इज वो छोड़ दो रीट क्या कहता है कि रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास होल्ड को के कम से कम पचास शेयर होनी चाहिए ना वेल टेल यू मेरा ओपिनियन है कि दिस शुड बी मोर देन मुझे लगता है कुछ साल में अमेंडमेंट लाके इसको मोर देन 50 कर देंगे बट आज की तारीख में लॉ बस इतना सा कहता है कि रीट ने पचास प्रतिशत शेयर कम से कम होल्ड को के होल्ड करने चाहिए खत्म तो पहली लिमिट क्या पढ़ा रहा हूं रीट मस्ट मस्ट होल्ड फिफ्टी परसेंट और मोर शेयर ऑफ होल्ड को क्लियर है दूसरा एक पॉइंट है मस्त सिंपल सा ये कोई ऐसा लिमिट नहीं है बट ये पता होना चाहिए आपको होल्ड को शुड नॉट बी इंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी होल्डो शुड नॉट बी एंगेज इन एनी एक्टिविटी अदर देन वॉट वन होल्डिंग एसपीवी के होल्डको का एक काम क्या हो सकता है एसपीवी होल्ड करना और दूसरा काम क्या हो सकता है होल्डिंग रियल एस्टेट असेट्स ये दो उसका काम हो सकता है इसके अलावा तीसरा काम नहीं कर सकता है एंड चाहे तो एंसिलरी चीजें छोड़ दो एंड अदर इंसिडेंटल एक्टिविटीज ठीक है ठीक है एकदम सिंपल सी बात है तो होल्डको का मेन काम सिर्फ होल्डको और कुछ नहीं कर सकता है होल्डको क्या कर सकता है होल्डिंग रियल एस्टेट असेट या फिर होल्डिंग एसपीवी, ठीक है लिमिट एक ध्यान रखना जो पहली लिमिट पड़ाई है यहां पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैज टू होल्ड फिफ्टी परसेंट और मोर शेयर फिफ्टी परसेंट ऑफ मोर शेयर इन होल्ड को चलो अब दूसरी लिमिट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है एसपीवी की सुना मेरी बात को ये एसपीवी की लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है एसपीवी पे दो रूल अप्लाई करते हैं मेरी बात को समझना अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं एसपीवी पे दो रूल अप्लाई करते हैं चलो अच्छे से समझाऊंगा बड़ा मजा आएगा दीवाने हो जाओगे बीच रुकना होल्ड को को पीछे से चेक किया क्या पीछे से चेक किया सुनो सुनो ये इसके अंदर कम कम से परसेंट किसके होने चाहिए किसके होने चाहिए कम से कम फिफ्टी परसेंट शेयर किसके होने चाहिए कम से कम फिफ्टी परसेंट शेयर किसके होने चाहिए रीट के ये चेक किया सेम चीज एसपी में भी चेक की जाती है फोकस करना अच्छे सेम कंडीशन कि एसपीवी के कम से कम 50 प्रतिशत शेयर जो है ना वो होल्डको के पास होने चाहिए तो जो कंडीशन यहां अपन ने होल्डको के लिए पड़ी ना कि होल्डको के 50 प्रतिशत शेयर रीट के पास होने चाहिए उसी प्रकार से एसपीवी के 50 प्रतिशत शेयर होल्डको के पास होने चाहिए सेम कंडीशन सेम कंडीशन तो जब भी एसपीवी होगा सारे एसपीवी के लिए अप्लाई कर रहा है राइट होल्ड को और रीट होल्ड को और रीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी रीट डायरेक्टली भी तो एसपीवी होल्ड करता है होल्ड को और रीट मस्ट होल्ड 50 परसेंट और मोर शेयर्स इन एसपीवी ये बात समझ में आई क्या अरे जिस तरह से रीट ने होल्ड को पे टपली मारी जिस तरह से रीट ने होल्ड को पे टपली मारी उसी तरह से होल्ड को सारे एसपी पी भी टपली मारेगा टपा टप टपा टप टपा टपा टप टप, 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 टप खत्म आपको समझ में आना चाहिए सिंपल होल्ड को के जो टोटल शेयर्स हैं उसका कम से कम 50 प्रतिशत रीट के पास होना चाहिए उसी प्रकार से हर एसपीवी का कम से कम 50 प्रतिशत शेयर होल्ड को के पास होना चाहिए और अगर मान लीजिए होल्ड को नहीं है तो रीट के पास होना चाहिए तो रीड मस्ट होल्ड फिफ्टी परसेंट शेयर ऑफ होल्ड को एंड होल्ड को मस्ट होल्ड फिफ्टी परसेंट मोर शेयर ऑफ एसपीवी एसपीवी पे दो रूल आते हैं एक तो ये सेम हो गया एक तो ये सेम हो गया एसपीवी के ऊपर एक और रूल आता है एसपीवी के ऊपर एक और रूल आता है अब सुनना मेरी बात को ध्यान से एसपीवी का सर्कल पूरा कंप्लीट होगा एसपीवी पे आगे भी कंडीशन है सुना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं ल्डको पे से पीछे वाली कंडीशन थी कि यार होल्डको पे जो का जो शेयर है ना वो कम से कम 50 प्रतिशत रीट के पास होना चाहिए तरह से एसपीवी एसपीवी के के भी 50 पास होने चाहिए की एक आगे वाली कंडीशन भी है सुनना ध्यान से ये तो हो गई एसपीवी की शेयर वाली कंडीशन अब एसपीवी की एक असेट वाली कंडीशन आती है बहुत केयरफुली समझना एसपीवी की असेट वाली कंडीशन एसपीवी के अस्सी प्रतिशत एसपीवी के जो अस्सी प्रतिशत असेट है ना वो रिलिस्टेड असेट में होना चाहिए एसपीवी का 80 प्रतिशत जो असेट्स हैं वो रियल एस्टेट एसेट के अंदर होने चाहिए फोकस करना अच्छे से क्या रेस्ट्रिक्शन बता रहा हूं अब ये इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है यहां पे। 80 परसेंट ऑफ द असेट्स ऑफ एसपीवी टू बी इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट अस अगर ये आपको समझ गया है, तो काम खत्म हो चुका है खत्म हो चुका है मैं उठ के जा रहा हूं बस मैं जा रहा हूं मैं जा रहा हूं आप लोग सो जाओ मेरी बात को समझना ध्यान से फोकस करना अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं अच्छे से एसपीवी पे दो रूल्स आ रहे हैं बस खत्म हो गया यार मैं आपको, मैं आपको मेरा विश्वास मैं खत्म हो गया यही आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है एसपीवी पे दो रूल आते हैं और होल्डको पे एक रूल आता है बस ये याद रखो होल्डको पे एक ही रूल है एसपीवी पे दो रूल है देखो ना होल्डको पे एक ही तरफ का लिमिट है ना पीछे वाला राइट एसपी पे पीछे वाला लिमिट तो है ही है और साथ में एसपी पे आगे वाला लिमिट भी आ जाता है तो सबसे पहली चीज क्लियर रखो कि एक तो लिमिट है जो सेम है सबसे पहले एक शेयर होल्डिंग वाली लिमिट क्लियर कर दो कि होल्ड को है तो होल्डको का पचास प्रतिशत शेयर्स रीड के पास होना चाहिए एंड सेम गोस एसपीवी एसपीवी का 50 प्रतिशत उससे ज्यादा शेयर होल्डो या रीड के पास होना चाहिए

एटी परसेंट वो पहले पढ़ चुके हैं उसको क्लोज करके छोड़ दो ठीक है अब यहां मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं यहां पे पढ़ाना रहा था कि होल्ड कोर एसपीवी का इन्वेस्टमेंट कंडीशन में क्या लिमिट है तो समझो कि कोर एसपीवी बीच में आ रहे हैं राइट तो होल्ड को और एसपीवी पे लिमिट्स आती है होल्ड को पे एक ही लिमिट है एसपीवी पे दो लिमिट है दोनों के पीछे लिमिट तो सेम है क्या होल्डको के अंदर भी 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट और मोर शेयर हैव टू बी हेल्ड बाय रीड एंड एसपीवी के अंदर भी 50 परसेंट और मोर शेयर शुड बी हेल्ड बाई होल्डको रीड एसपीवी पे एक और कंडीशन आती है एट्टी परसेंट ऑफ इटेट ऑफ द शेयर था एट्टी परसेंट ऑफ इट्स हैव टू बी इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट है नहीं सर समझा नहीं हमको कोई बात नहीं आपके लिए मैं और लाया हूं सबसे पहले सुनो मेरी बात को सिर्फ ये तीन रूल जो है ना आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना ये तीन रूल दिमाग में अच्छे से बैठा लेना पूरा फोकस यहां पे तीन रूल दिमाग में अच्छे से बैठा लेना ठीक है मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं ना जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं ना उसमें से फिफ्टी स्टूडेंट्स मैं भी सबसे अपेक्षा नहीं कर रहा हूं फिफ्टी स्टूडेंट्स ये तीनों पढ़ेंगे और उनको तीनों समझ पाएंगे और मैं वापस भी समझाऊंगा बच्चे 50 परसेंट का चिंता की कोई बात नहीं है हर एक स्टूडेंट को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सब पढ़ के समझ के निकलेगा यहां से दिस इज समथिंग आई यू सो अंडरस्टैंड केयरफुली बस मुझे बताओ आप लोग रीड करोगे खुद से एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कम से कम फिफ्टी स्टूडेंट्स को तो अब ये मेरे बिना पढ़ाए भी समझ जाएगा रीड दिस थ्री लाइन एंड सी वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नॉट आई बी एक्सप्लेनिंग आफ्टर दैट डोंट वरी मतलब मुझसे क्वेरीज मत पूछना कुछ भी मैं समझाने वाला हूँ बट आप देखो आपको खुद से अभी समझ रहा रहा है क्या फुल स्क्रीन कर रहे मैं उसको मैं फुल स्क्रीन रख रहा हूं फॉर मिनट रीड ऑल द थ्री पॉइंट्स एंड ट्राई समझ रहा है क्या ये चलिए बेटा जी एकदम अच्छे से जिनको समझा बहुत अच्छी बात है जिनको अभी समझ के जिनको नहीं समझा मैं एक बार वापस रीड करके समझा रहा हूं एकदम मस्ती में सबसे पहले एटी ट्वेंटी रूल है तो शुरुआत में बोलते हैं एटी ट्वेंटी रूल है एटी ट्वेंटी रूल रीड में मैंनेटरी फॉलो होता है एटलीस्ट एटी परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ रीड रीड्स नीड्स टू बी इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज कि भाई रीड के जो असेट्स टोटल रीड का जो फाइनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है कम से कम एटी परसेंट कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग में जाना चाहिए रिमेंग ट्वेंटी परसेंट कैन भी इवेस्ट इन अदर परमिसिबल इवेस्टमेंट वहां पर टी वगैरह सब कुछ आता है वहाँ पे आप रिमेनिंग ट्वेंटी परसेंट सकते एटी परसेंट जाना चाहिए एट्टी ट्वेंटी रूल ठीक है SPV का एट्टी परसेंट असेट रूल एंड एसपीवी का फिफ्टी परसेंट शेयर रूल ये दो रूल और बताना चाहिए SPV के दो रूल है एट्टी परसेंट असेट रूल फिफ्टी परसेंट शेयर रूल क्या है सर ये? SPV का एट्टी परसेंट असेट रूल से इन्वेस्टमेंट बी मेड डायरेक्टली और थ्रू एसपीवी होल्डिंग एटलीस्ट

ये तीन रूल अगर आपको क्लियर है तो बात खत्म हो गई बात खत्म हो गई उठो भागो इधर भागो मतलब भागना मत बट समझो खत्म हो गई बात इसके बाद में होल्डको का रूल है वो तो पहले ही क्लियर हो चुका है ये होल्डको का रूल यहां पे लिखा है होल्डको और होल्डिंग कंपनी कंपनी और इन रीड और प्रपोजेस टू होल्ड नॉट लेस देन 50% जैसे एसपीवी का 50% शेयर रूल है वैसे ही होल्डको का भी 50% शेयर रूल है कि होल्डको में 50% शेयर्स किसके पास होने चाहिए रीड के पास होने चाहिए जो यहां पे लिखा है and which in turn has made investment in other SPV which ultimately holds the properties and holdco is not engaged in other activity other than holding of underlying SPV or real estate property asset etc etc जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं are you understanding सुनो मेरी बात को अच्छे से अगर मैं और elaboratively बोलूं तो चार rule बन गए एक तो 80-20 rule है शुरुआत में clear है कि REIT ने total assets का 80% completed in revenue generating में करना है stories over फिर एसपीवी के दो रूल आ गए एक तो एसपीवी का फिफ्टी परसेंट शेयर रूल है कि एसपीवी का पचास प्रतिशत शेयर होल्डको या रीट के पास होना चाहिए और एसपीवी का एट्टी परसेंट रूल है कि एसपीवी के टोटल असेट्स का रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ठीक है और एक होल्डको का रूल है कि भाई होल्डको का क्या है सिंपली होल्डको का पचास प्रतिशत शेयर जो है होल्डको के पचास प्रतिशत शेयर जो है ना वो होने चाहिए रीट के पास आर यू ऑल मी आर यू ऑल मी क्लियर है क्या जो हो, के लिखा ना, 80 है ना इन सच प्रॉपर्टी सबको लग गया थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ आपके लिए अगर जो मैंने बोला अभी तक ये सबको क्लियर है तो मैं और कॉम्प्लिकेट करता हूँ थोड़ा सा आपके लिए है. सबको समझ आ रहा है होल्डको का एक रूल है एसपीवी के दो रूल है शेयर होल्डिंग का भी फिफ्टी परसेंट का रूल है और इन्वेस्टमेंट का भी असर का एटी परसेंट का रूल है अगर यहां तक सब लोग मेरे साथ में हैं तो मैं एक और कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं चलो बेटा जी मुझे बताओ यहां तक सब लोग मेरे साथ में है क्या इज एवरी तो एक बहुत प्यारी चीज बताने की कोशिश करता हूं फिर और उसमें मतलब आई डोंट बिलीव वो आपके सिलेबस में है हैवीस नहीं और उस उसपे एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आ सकता है लेकिन वही है कि पता हो तो बहुत अच्छी बात है उससे पता वो क्या है यू कैन देन कनेक्ट दी डॉट्स और एक चीज पूरा एकदम ओवर यू थ्री सिक्सटी डिग्री समझ में आता है उससे चलो अति सुंदर अति सुंदर चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं अगर किसी व्यक्ति को नहीं समझे तो घबराना मत ये आपके सिलेबस में नहीं है ठीक है जो मैं आगे बताने की कोशिश कर रहा करूं डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछेंगे भी से बट अगर आपको इस तरह से समझ में आ जाता है तो फिर दर इज नथिंग स्टॉपिंग यू सुनना बहुत केयरफुली रीट है होल्ड को एसपीवी नंबर वन एसपीवी नंबर टू एसपीवी नंबर थ्री वेरी इजी ऑफकोर्स इन सब ने इन्वेस्ट किया हुआ है Real estate assets, real estate assets, real estate assets. Understand very carefully, understand very carefully. So this real estate asset is completed and revenue generating, completed and revenue generating, completed and revenue generating. I hope you are all with me. Focus on take asset. Thaikya? सो so, ये तीनों अभी तक कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग है ठीक है इसका मतलब है कि अभी तक जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है हंड्रेड परसेंट का हंड्रेड परसेंट कंप्लीट एंड रेवेन्यू जनरेटिंग में किया है मुझे बताओ चलेगा क्या कि इस रीट ने अभी तक जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है इस रीट ने अभी तक जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है ना वो पूरा कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग असेट में ही किया है चलेगा क्या बिल्कुल चलेगा मिनिमम एटी परसेंट होना चाहिए ना हंड्रेड परसेंट करो तो बहुत ही अच्छी बात है तो इन्होंने अभी तक पूरा का पूरा कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग असेट में किया है अब क्या हो रहा है ये एक और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दे आर प्रपोजिंग अनदर इन्वेस्टमेंट तो ये होल्ड को जो है ना वो एक और एसपीवी फोर में इन्वेस्ट कर रही है जिससे कि एक और रियल एस्टेट असेट हो जाएगा बट ये जो है ना है ना ये कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है ये कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है मेरे सर के पीछे आ गया फोकस करो अच्छे से ये जो लास्ट वाला केस बताया ना ये कंप्लीटरी रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है चलेगा क्या सर देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा फोकस करना अच्छे से। मान लेते हैं कि रीट ने जो पहले वन टू एंड थ्री इन तीनों में जो इन्वेस्टमेंट किया है ना दिस इज ऑलरेडी फिफ्टीन हंड्रेड करोर यह तीनों मिला के आप समझ लो फाइव हंड्रेड करोर फाइव हंड्रेड करोर फाइव हंड्रेड तो रीट ने होल्डको को दिया था फिफ्टीन हंड्रेड करोड़ होल्डको इज हंड्रेड परसेंट हेल्ड बाय रीड राइट नाउ हंड्रेड परसेंट हेल्ड बाय रीट ठीक है होल्डको ने फाइव हंड्रेड करोड़ फाइव हंड्रेड करोड़ फाइव करोड़ तीनों एसपीवी में किया और पूरा का पूरा पंद्रह सो करोड़ पूरा का पूरा पंद्रह सो करोड़ अभी कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग असेट के अंदर है कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग असेट के अंदर है अब रीट चाह रहा है कि सौ करोड़ जो है वो यहां पे इन्वेस्ट कर दे विच इज नॉट कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग चलेगा क्या तो ये सौ करोड़ इस एसपीबी में आने वाला है जो कि जाएगा रियल एस्टेट एसेट में विच इज नॉट कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग। चलेगा क्या तो होगा ऐसा कि रीट का पंद्रह करोड़ तो कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग में आया लेकिन सौ करोड़ जो है वो कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग में नहीं आएगा चलेगा क्या ये सर चलेगा रीट का ऊपर रूल है 80 20 का ये जो एटी ट्वेंटी का रूल है ना ये किसके ऊपर अप्लाई होता है यारो रीट के ऊपर अप्लाई होता है रीट को एटी ट्वेंटी का ध्यान रखना है रीट को एटी ट्वेंटी का ध्यान रखना है कि मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से 80% तो होना चाहिए कहां पे कंप्लीटली रेवेन्यू जनरेटिंग का हां हंड्रेड परसेंट फिफ्टीन करोड़ आराम से हो रहा है आराम से हो रहा है दिस हंड्रेड करोड़ इज नोवेयर टोटल हमारा कितना हो जाएगा सोलह करोड़ हो जाएगा ना तो सोलह करोड़ में से सिर्फ सौ करोड़ आपका रहेगा तो सौ करोड़ ट्वेंटी हो ही नहीं रहे ना चलेगा अलाउड है कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि सर ये जो एसपीवी है ना इसके ऊपर भी तो एट्टी ट्वेंटी का रूल आता है जी नहीं इसके ऊपर एटी ट्वेंटी का रूल नहीं आता है एट्टी ट्वेंटी का रूल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन रीड आर यू अंडरस्टैंडिंग दी पॉइंट द रूल ऑफ एट्टी ट्वेंटी दैट 80 पर्सन हैज बी इन्वेस्टेड इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन रीड दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एसपीवी एटी ट्वेंटी रूल दट 80 परसेंट ऑफ द टोटल हैव टू बी इन्वेस्टेड इन एंडलीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग इट एप्लीकेबल ऑन रीट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एसपीवी आर यू अंडरस्टैंडिंग तो सर एसपीवी पे क्या एप्लीकेबल है

वो रीट को मैक्रो लेवल पे ध्यान रखना है हर एक एसपीवी के लेवल पे नहीं रीट को मैक्रो लेवल पे एटी ट्वेंटी रूल का ध्यान रखना है हर एक इंडिविजुअल एसपीवी में ऐसा एटी ट्वेंटी रूल नहीं है आर यू अंडरस्टैंडिंग सो ऑल ऑफ यू शुड बी थरो विद विदीस थ्री रूल्स एटी ट्वेंटी रूल फॉर रीट एसपीवी का एट्टी परसेंट असेट रूल एसपीवी का फिफ्टी परसेंट शेयर रूल एंड होल्डको का ऑफकोर्स फिफ्टी परसेंट शेयर रूल आर यू अंडरस्टैंड जो मैंने अभी ये बताया ना ये सब आपको नहीं भी पता तो चलेगा ये सब कोई सिलेबस में दे भी नहीं रखा है इतना क्लियरली तो इन सबको आप इग्नोर कर सकते हो मेरा बस ये कहना है कि आपको ये समझ में आ रहा है ना सबको ये सबको समझ में आ रहा है ना एट्टी ट्वेंटी रूल फॉर रीड एसपीवी का एट्टी परसेंट एसे रूल और यहां पर हम लिख सकते हैं फिफ्टी परसेंट शेयर्स रूल ये चारों रूल दिमाग में क्लियर है क्या एट्टी ट्वेंटी फॉर रीट एसपीवी का एट्टी परसेंट असेट रूल एसपीवी का फिफ्टी परसेंट शेयर रूल एंड होल्ड को का फिफ्टी परसेंट शेयर्स रूल आर विथ मी आर लक्ष्मी विथ मी वी ऑलरेडी गॉन फार अब वेल टेल यू अगेन अनदर थिंग फोकस करना अच्छे से फोकस करना अच्छे से फोकस करना अच्छे से इसको मैं चाहूं तो और कॉम्प्लिकेट कर सकता हूं

इतनी से अपेक्षा करता हूं ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज वेरी कंफर्टेबल विद रूल्स एट्टी ट्वेंटी फॉर रीड एटी ट्वेंटी फॉर रीड से टोटल असेट का परसेंट शुड बी इन्वेस्टेड इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग असेट 80 परसेंट असेट रूल फॉर एसपीवी के एसपीवी का एट्टी जो है वो रियलिस्टेड असेट में जाना चाहिए फिफ्टी परसेंट शेयर रूल फॉर एसपीवी के एसपीवी का पचास प्रतिशत शेयर जो है वो होल्ड को या रीट के पास होना चाहिए एंड फिफ्टी परसेंट शेयर फॉर होल्ड को होल्ड को के पचास प्रतिशत शेयर कम से कम या उससे ज्यादा शेयर होने चाहिए रीट के पास आर यू ऑल विथ मी आर यू ऑल विथ मी ये मैं यही कह रहा कि इसके बाद में और फर्दर चीज नहीं होगी आपके दिमाग में बिल्कुल हो सकती है बट आई गेस दिस इज गिविंग यू अ फेयर क्लियर क्रिस्टल क्लियर थ्री सिक्सटी डिग्री आइडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट कंडीशन शांति से एक बार इस डायग्राम को देखो यू हैव टू मिनट्स दिस टाइम बहुत शांति से देखो आई होप यूर एबल टू अंडरस्टैंड आई होप यूर एबल टू अंडरस्टैंड ओके सीट वंस चलिए बेटा जी अगर आपको ये सच में दिल में उतर गया ना तो मुझे बहुत ही आनंदित फील हो रहा है सो देन वेन मतलब अभी मैं अपना आगे जा रहे हैं चार्टर नंबर फोर और फाइव भी आपको पढ़ाऊंगा एक बार बने ना चार्टर नंबर फोर और फाइव में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और वो कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से लेकिन उसके बाद में जब कला आप पढ़ने बैठोगे ना आपको इतना बेहतरीन कॉन्फिडेंस आएगा कि रीड इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट इफ यू अंडरस्टेंड दी कंसेप्ट प्रॉपरली देन दिस इज मियरली स्मॉल माइनर थ्योरी क्लियर है क्या हो हम लोग चलो सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर है दीज आर द रूल्स विच यू नीड टू नो एक और चार रूल है क्लियर होना जाना चाहिए रीट का एटी ट्वेंटी रूल एटी ट्वेंटी रूल फॉर रीड ओके उसके बाद में एट्टी परसेंट असिट रूल फॉर एसपीवी फिफ्टी परसेंट शेयर रूल फॉर एसपीवी एंड फिफ्टी परसेंट शेयर रूल फॉर होल्ड को टिंग टिंग टेंग टेंगे हम लोग चलो फोर्थ चार्ट विल बी टॉकिंग अबाउट यूनिट्स अबाउट यूनिट्स। फोकस करेंगे अच्छे से तो बड़ा मजा आएगा फोकस करना अच्छे से एक ही चार्ट के अंदर तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा बस अच्छे से फोकस करके रखना yes, की बात करता हूं इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स एक एक पॉइंट केयरफुल समझना एक एक पॉइंट बहुत केयरफुल समझना इशू अलॉटमेंट ऑफ यूनिट इनिशियल ऑफर ऑफ यूनिट्स की जो इनिशियल ऑफ ऑफ का होता है ना जो ढाई करोड़ का हमने पड़ा इट है of दूसरी चीज फर्दर ऑफर जो करना चाहेंगे वो आप कर सकते हो पब्लिक इशू राइट इशू क्यूआईपी आई जो करना है करो तो रीट जब भी होगा इनिशियल ऑफर जो ढाई सौ करोड़ का मैंडेटरी है चलो तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए क्या इनिशियल ऑफर मैंडेटरी पब्लिक इशू बाद में आप राइट इशू कर सकते हो क्यू भी कर सकते हो अब सुना नया पॉइंट मिनिमम वैल्यू ऑफ रीट असैस फाइव हंड्रेड रीट की मिनिमम वैल्यू पांच सौ करोड़ होनी चाहिए हमने क्या पढ़ा है मिनिमम पब्लिक इशू कितने का होना चाहिए पब्लिको करोड़ का और मिनिमम रीट कितने का होना चाहिए पांच सौ करोड़ का तो कम से कम पांच सौ करोड़ का रीट होना चाहिए इंडिया में कोई भी रीट ऐसा नहीं होना चाहिए जो करोड़ से छोटे वैल्यू का है मिनिमम रीट के असेट जो है वो पांच करोड़ होने चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ रीट शुड बी कंप्लाइड बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स तो यूनिट्स अलॉट करने के पहले आपको इंश्योर करना है कि रीट का जो टोटल वैल्यू है पांच करोड़ होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट होल्डर एक रीट में कम से कम 200 यूनिट होल्डर होना मैंडेटरी 200 से कम यूनिट होल्डर हो ही नहीं सकते मिनिमम 200 यूनिट होल्डर आर मैंडेटरी जैसे कि हम पब्लिक कंपनी में सेवन पढ़ते हैं ना रीट में कम से कम 200 यूनिट होल्डर होने चाहिए मिनिमम ऑफर साइज फॉर इनिशियल इशू पहले पढ़ा चुका हूं 250 करोड़ इनिशियल इशू कम से कम 250 करोड़ का होना चाहिए ठीक है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मुझे आपको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है जैसे आपने कंपनी में पढ़ी वैसी की वैसी कंपनी जो सिक्योरिटी को हम पढ़ते हैं जिसको आप लोग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कह सकते हैं कंटिन्यूसिंग अग्रीमेंट इन सब नाम से जानते हैं मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू कैपिटल अगर आपका जो कैपिटल है वो 1600 करोड़ से कम है तो जैसे कि यहां पे हमारा रीट 1600 करोड़ से कम का है टोटल वैल्यू तो कम से कम पब्लिक के पास पच्चीस होना चाहिए सोलह करोड़ से चार करोड़ तक का है तो 400 करोड़ पब्लिक के पास कम से कम होना चाहिए और 4000 करोड़ से ज्यादा है आपका टोटल कॉर्पस तो उस दस परसेंट पब्लिक तो है, है के लिए अप्लाई होता है अब ऑफर डॉक्यूमेंट मैं भी नहीं आता सुनो मेरी बात को मैं अगर स्टूडेंट होता तो ये टॉपिक कैसे पढ़ता यह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं पहले मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लेता उसके बाद में मैं इसके ऊपर कुछ बुक रख देता जो ये आंसर है इसके ऊपर और सिर्फ ये हेडिंग देख के चेक करता कि मुझे आगे का याद आ रहा है या नहीं आ रहा है तो ऑफकोर्स नोट आपको देने वाला हूं तो आप खुद भी ऐसा करें इनिशियल ऑफर ऑफ यूनिट कैसे होना चाहिए बोलो बोलो मन में अरे कोई कमिटमेंट मत करो टाइम वेस्ट मत करो वहां पर बैठे बैठे चिल्लाओ घर पे चीखो चिल्लाओ इनिशियल ऑफर ऑफ यूनिट्स कैसे होना चाहिए बाय वे ऑफ पब्लिक इशू फर्दर ऑफर कैसे भी हो सकता है बाय वे ऑफ पब्लिक इशू हो सकता है बाय वे ऑफ राइट इशू होता है क्यूआई कैसे भी होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ रीड एसेट कितना 500 करोड़ होना मैंडेटरी है उसके बाद मिनिमम ऑफर साइज इनिशियल सोलह सो, सो करोड़ है।, है, तो तो है तो मिनिमम कॉर्पस अगर सोलह सो करोड़ से चार हजार करोड़ है तो मिनिमम कॉर्पसिक शेरोल्डिंग चार सौ करोड़ और मिनिमम कॉर्पस अगर चार हजार करोड़ से ज्यादा है सोलह सो करोड़ से चार हजार करोड़ है तो चार सौ करोड़ चार हजार करोड़ से ज्यादा है तो टेन परसेंट अरे कंपनी में पढ़ा है हमने सेम वही का लिमिट आ भी क्लियर तो ये आपको बार बार चेक करना है कि आपको सारी चीजें पता है या नहीं फिर आता है ऑफर डॉक्यूमेंट तो सिंपल जैसे कंपनी के अंदर भी कंपनी इशू करने के लिए सेबी को देती है उसी प्रकार से ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी फाइल टू सेबी टू रिसीव ऑब्जर्वेशन इफ एनी ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हमें सेबी के पास ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देना है गेट ड्यू डिलजन सर्टिफिकेट ई विद दी ऑब्जर्वेशनिव की जो observation आए, वो चेंज करने के बाद ही हमारा ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बनेगा नॉर्मल ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेबी को दिया हम रुकते हैं सब ने अगर ऑब्जर्वेशन बताए तो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाएगा अगर observation नहीं बनाए बताए ऑब्जर्वेशन बताए तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट चेंज करेंगे और अगर कुछ भी कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं बताए तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाता है ऑफर डॉक्यूमेंट सेम लाइक यू अंडर आईसीडीआर ऑफर पीरियड

गलती मत करना है पे। ये भी एक ऐसा थोड़ा सा इग्नोरेंट सा पॉइंट होता है रीट ने ऑफर किया इशू कर रहा है हजार करोड़ का पब्लिक ने अप्लाई कर दिया है पंद्रह सौ करोड़ के लिए इशू कर रहे हैं हजार करोड़ के लिए अप्लाई कर दिया पंद्रह सौ करोड़ के लिए तो पंद्रह सौ करोड़ तो हम अलॉट नहीं कर सकते तो यहां पे क्या कह रहे सुनो ना आप मैक्सिमम इसका 25% परसेंट है ना एक्स्ट्रा अलॉट कर सकते हो मतलब यहां पे रीड अलॉट कर सकता है 1250 करोड़ 25% परसेंट करोड़ ट्वेंटी परसेंट तब आप ओवर सब्सक्राइब पोर्शन भी है वो रख सकते हो ये है तो 25% परसेंट तक आप रख सकते हो तो जो रिमेनिंग है वो आपको रिफंड करना होगा तो क्या कह रहे हैं यहां पर सब्सक्राइब अमाउंट आपको रिफंड करना होगा यू कैन कीप अप टू ट्वेंटी जो है तो मान लो 1500 करोड़ आया तो 250 करोड़ तो दी नहीं होगा। मान लो हजार करोड़ का इशू किया था और 2000 करोड़ के लिए आ गई, तो 750 करोड़ तो रिफंड करना ही पड़ेगा मैक्म ट्वेंटी आप रख सकते हो देन देड तो भी आपको रिफंड करना हमने पढ़ा मिनिमम दो होना मैंडेटरी है तो ये तीन बताए जहां पे आपने पैसा रिफंड करना होता है नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट है इंटरेस्ट देना होगा फिफ्टीन परसेंट पर एनम पे अगर आप प्रॉपर टाइम पे रिफंड नहीं कर पाए तो लिस्टिंग नहीं कर पाए रिफंड नहीं कर पाए अमाउंट फॉर जनरल पर्पज मैक्सिमम टेन परसेंट यह क्या है? ये आईसीडीआर में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जब ऑफर डॉक्टर बताएंगे ना कि इस पैसे का हम क्या करेंगे राइट right? तो वो मैक्सिमम टेन जो है आप वो जनरल पर्पज के लिए रख सकते हो 90% परसेंट आपको एक्चुअली इन्वेस्ट करना है मैक्सिमम 10% जो टोटल है उसको आप जनरल पर्पस के लिए रख सकते हो कि हमारा ऑफिस चलाने के लिए स्टाफ के लिए वगैरह तो मान लीजिए हजार करोड़ है तो उसमें से 10 परसेंट सौ करोड़ आप अपने जनरल पर्पज के लिए रख सकते हो नौ करोड़ तो ऐसा कैसा इन्वेस्ट होना चाहिए सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर रीड जिस दिन क्रिएट हुआ उसके तीन सालों तक तीन सालों तक वो एक्चुअली इशू नहीं कर पाए यूनिट्स तो रीड को सरेंडर करना मैंडेटरी है यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है कि एक साल का एक्सटेंशन दिखता है सभी आपको तो प्लस वन ईयर तो तीन साल से रीट बन चुका है लेकिन अभी भी रीट बन चुका है तीन साल हो गए लेकिन अभी भी यूनिट से इशू नहीं किया तो रीट को सरेंडर करना होगा अपना सर्टिफिकेट और बंद हो जाएगा वो रीट एक साल का एक्सटेंशन मिल सकता है थ्री प्लस वन अब सुनो मेरी बात को फोकस करना अच्छे से आई हैव नो रोल टू प्ले इन टीचिंग यू वॉट आई फॉर लास्ट टेन मिनट्स आई हैव नो रोल टू प्ले हाँ चार्ट वन चार्ट टू चार्ट थ्री तीनों में मेरा रोल था तीनों में मेरा रोल था बिकॉज वहां पे एक्सप्लेनेशन था यहां पे ये सिंपल लिमिट्स है तो सर आपने पढ़ाया क्यों आप सिंपल ही दे देते हैं एक बार मेरे पढ़ाने के बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको ये दिमाग में याद ज्यादा समय रखेगा ये सरस्वती माता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैं आपको जो कह रहा हूं वो आपको याद रह जाता है थोड़े लंबे समय तक ये थोड़े लंबे समय तक याद रह जाता है तो इस कारण से जो मैंने पूरी लिमिट्स बोली है ये आपको थोड़े लंबे समय तक याद रहेगी अब एक और बार तो आप ही ने पढ़ना फोकस करना एक बार अच्छे से अब देखते हैं आपको क्या याद है सुनो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा अब बस मैं बोलूंगा आप अकेले बैठे-बैठे बोलो आप अकेले वहां बैठे बैठे बोलो इस चीज को फोकस करना अच्छे से। इनिशियल ऑफर ऑफ यूनिट्स कैसे होगा कमेंटेंट कुछ नहीं करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ रीट के रीट के मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए इनिशियल ऑफर जो पब्लिक को तो करते वो मिनिमम कितना होना चाहिए ढाई करोड़ रीट के अंदर कम से कम मिनिमम अलॉटीज कितने होने चाहिए टू हंड्रेड वेरी गुड और उसके बाद में पब्लिक शेयर होल्डिंग का पॉइंट तो ठीक है ऑफर डॉक्यूमेंट में हमें सेबी को देना है वो दे, आ, उसमें ऑब्जर्वेशन देगी फिर वो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाएगा ठीक है ऑफर पीरियड कितना होगा मैक्सिमम थर्टी डेज अलॉटमेंट होगा डीमैट में ठीक है बारह दिन के अंदर आपको या तो अलॉटमेंट या रिफंड कर देना हो चाहिए अगर नहीं किया तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा फिफ्टीन परसेंट के हिसाब से ठीक है बस बस यही तो चीजें है बेसिकली ठीक है चार्टोर so कम था ज्यादा बट आई थॉट के एल कवर इट वंस सो दैट आपको रिविजन करने में थोड़ा सा आसानी होगा मैं आपको आई एम नॉट टू श्योर कि आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिखेगा या नहीं दिखेगा मुझे बताओ कि यह स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा है क्या मैं फुल स्क्रीन करता हूं एक बार पीपल टेल मी आर यू एबल टू रीड इट हल्का हल्का सा रीड कर पाओगे क्या ऐसे जस्ट टेल मी इन दमेंट सेक्शन ये रीडेबल है कि नहीं है रीडेबल है ना यार तो दे रहा हूं मैं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि एक बार ये पूरा रीड कर लो मैं आपको कह रहा हूं आप दीवाने हो जाओगे एक चार्ट में सब कुछ कवर हो जाता है ये तो मैं आपको देता हूं दो मिनट पूरा रीड कर लो कुछ पेन डाउन नहीं करना है पूरे नोट में आपको दूंगा एज एट जो मेरे लिखे हुए नोट्स है दो मिनट हैं आपके पास पूरा का पूरा रीड करो केयरफुली बारीक तरीके से रीड करो Yes वी वेल तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने रीड किया होगा और आपको फिर याद अरे हाँ 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 अब सारा इसी लगेगा सबसे बेस्ट चीज़ क्या है वाई ऑलवेज सजेस्ट मतलब अभी मैं यूट्यूब पर रिविजन ले रहा हूँ तो हो सकते हैं आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो मुझसे रेगुलरली नहीं पढ़े ठीक है ना और आप अभी मुझसे रिवाइज कर रहे हैं तो मैं जनरली सजेस्ट नहीं करता किसी बच्चे को एकदम सिंपल में एकदम जेनुअनली बोल रहा हूँ कि बच्चों को मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप लास्ट फोर्ट पर नोट्स चेंज करो अगर आप मुझसे नहीं पढ़ें तो आप जहाँ से भी पढ़ें आप उनसे ही उन्हीं नोट्स से पढ़ो कम से कम सो कैसा है कि कम्फर्ट लेवल बनता है

Uh, किसी और समरी से पढ़ लिया नहीं आपने एग्जाम के एक दिन पहले भी अपने ही मतलब से पढ़ना चाहिए ना तो उसमें एक भी कुछ नया आ गया तो इट हिट्स यू गेट अंडर कॉन्फिडेंट तो अपने ही नोट से पढ़िए अच्छे से जो आपने अपने समरी नोट से भी बना रखे उन्हीं से एंड में पढ़िएगा क्लियर है और कभी भी इसको शॉर्टकट मत करिएगा आपने मेरे से रिविजन किया फिर आपको पढ़ना वापस पूरा ही वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन इफ वी एक्चुअली वॉन्ट टू तो प्रोफेशनल में तीनों ग्रुप पास होना और रैंक आने में उनको रैंक पर ही एम करना तो चीज स्किप करने पर सवाल पैदा नहीं होता चलो गोकस तो। करो यहां पर अब आ रहे हैं हम लोग हमारे आखिरी चार्ट चार्टा चार्ट, चार्ट, चार्ट दस मिनट में हो जाएगा कोई परेशानी की बात नहीं है चार्ट फाइव पे बात करता हूं चलो बट कोई छोड़ के नहीं जाएगा मतलब आई रियली डोंट लाइक इट मतलब we a higher pitch and thereafter कुछ बच्चों को लगता है अब तो बस हो गया मैं जा रहा है मैं हूं एंड तक तो आप लोग भी एंड तक रुकेंगे फोकस करना चलो, चलो यहां पर आ जाओ चार्ट फाइव को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं एक है डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट

एनी इन्फॉर्मेशन विच इज इंपैक्ट ऑन ऑपरेशन ऑफ रीड एनी इन्फॉर्मेशन विच इज इंपैक्ट ऑन ऑपरेशन ऑफ रीड टू भी डिस्कलोज तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है जिसका रीट के ऑपरेशन इंपैक्ट आने वाला है वो डिस्कलोज करना है साथ ही साथ सारी प्राइसटिव इंफॉर्मेशन डिस्कलोज करनी है ठीक है डिस्कलोज तो uh, करनी होगी तो रीट को यूनिट होल्डर्स को डिस्कलोज करनी है एवरी इन्फॉर्मेशन एनी इन्फॉर्मेशन विच इज एन इंपैक्ट ऑन देशन ऑफ रीट

50 करोड़ के असेट अगर आप परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो ये लिमिट आ गई तो आपको अपने रूट रोड को इन्फॉर्म करना है साथ ही साथ सेकंड पॉइंट एडिशनल बोरिंग ऑफ मोर देन 5 परसेंट वैल्यू ऑफ रीड रीट कि अगर आप बोरिंग कर रहे हैं कितना रीड असेट के पांच से ज्यादा तो भी आपके रूट को इन्फॉर्म करना है सुनो ट्वेंटी फाइव परसेंट यादव ट्वेंटी फाइव ज्यादा जब बोरो करता तो अप्रूवल लेना है हमने पढ़ा है ना मैक्सिमम बोरिंग कितनी हो सकती है रीड असेट की फोर्टी ठीक है लेकिन रीड असेट की ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा एक्सीड कर देते हो अप्रूवल फ्रॉम यूनिट होल्डर और यहां पर लिखा है कि 5 5 अगर फाइव परसेंट ज्यादा रीड के asset, से रीड के असेट का फाइव परसेंट से ज्यादा अगर आप कभी बोरो करो इनफॉर्म आई होप यू अंडरस्टैंडिंग रीड के टोटल असेट हजार करोड़ है उसके फाइव परसेंट से ज्यादा अगर हम बोरो कर रहे हैं इन्फॉर्म करना है

Report, एक होती है इयरली रिपोर्ट फॉर रीड हाफ रिपोर्ट टू बी गिवन विद इन डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ऑफ हाफ ईयर तो तो एंड के डेज राइट सो समवेयर अराउंड नवंबर जैसे ही हाफ ईयर एंड हुआ उसके फोर्टी डेज में आपको एक हाफ ईयरली रिपोर्ट देनी होती है और ईयरली रिपोर्ट देनी होती है ईयर एंड के विद इन थ्री मंथ्स तो हाफ ईयरली रिपोर्ट हाफ ईयर के एंड के फोर्टी फाइव डेज के अंदर ईयरली रिपोर्ट ईयर एंड के थ्री मंथ्स के अंदर आपको देनी होती है तो so ये सिंपल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां परेशानी है, की, कुछ नहीं है यहां पे यहां पे सिर्फ आपने थोड़ी सी मेहनत की तो आपको याद रह जाता है एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे दैट इज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर फोकस करेंगे अच्छे से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आप सबको पता है लेकिन सिर्फ यहाँ पे कुछ तीन पॉइंट मैं अच्छे से बता देता हूं फोकस करना यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर फोकस करेंगे अच्छे से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर पर अभी तक जो भी हुए limited, दो पेपर हुए guess, उन पेपर देखोगे तो स्ट्रेटिक्वेश्चन स्ट्रेटिक इन्वेस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी और अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एन इंटरनेशनल मल्टीलिटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ये पांच लोग हैं ये पांच लोग है. अगर आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में क्लियर किया है तो ये आपने अपने सेटिंग अप के सब्जेक्ट में इनके नाम पढ़े होंगे ठीक है और नहीं किया है तो ठीक है अगर आपने ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव में क्लियर किया है, तो भी आपको ये नाम याद करने में ज्यादा परेशानी होगी अच्छा समझो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंटरनेशनल मल्टीलिटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन पांच में से तीन के तो नाम में फाइनेंस कहीं ना कहीं आई रहा है ना सुनना इन पांच में से तीन के तो नाम में फाइनेंशियल कंपनी आ रहा है पांच में से तीन तो फाइनेंशियल कंपनी हो गई पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी तीसरा है इंटरनेशनल मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और चौथा है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी तो तीन तो फाइनेंशियल कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक बैंक है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एक है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी आपने पढ़ा होगा अच्छे से तीन कैटेगरी थी पहले जब आपने पढ़ी होगी अब चीजों के दो कैटेगरीज हो गई है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तीन कैटेगरी का जब आपने पढ़ा होगा अब वो चेंज हो गया अब दो ही कैटेगरी होती है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बट ठीक है उतना सब हम हमारे सिलेबस में नहीं है राइट right नाउ ये पांचों में से इस तरह से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं बस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर मीन्स दीज फाइव पीपल हु इन्वेस्ट इधर ज्वाइंटली और सेवरली नॉट लेस देन फाइव परसेंट ऑफ द टोटल ऑफर साइज ऑफ द ट्रस्ट आपने पढ़ा होगा पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट तो आप इसको ट्रस्ट से रिप्लेस कर देंगे तो ईजी हो जाता है ठीक है

सिक्योरिटीज लॉ आईसीडीआर या फिर यहां पे भी पर आईसीडीआर होगा फंडिंग में उसमें एक एंजल इन्वेस्टर पढ़ते हैं एंजल इन्वेस्टर का भी हम ऐसे ही कुछ पढ़ते हैं कि वो क्यूआईबी जो कि दस करोड़ से ज्यादा के लिए अप्लाई करते हैं उसी टाइप का सिमिलर कंसेप्ट एक्जैक्टली सेम नहीं बट सिमिलर कंसेप्ट कि रीट के अंदर जो लोग रीट के टोटल असर्ट्स में से फाइव परसेंट यूनिट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर ये पांचों में से कोई भी लोग अगर रीट के अंदर ये पांचों में से कोई भी या फिर ये पांचों मिलके या फिर इनमें से कोई भी दो तीन लोग मिलके रीट के 5% परसेंट यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको कैटेगराइज किया जाता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बिकॉज ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं है ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स है ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स है तो रीट के अंदर अगर कभी भी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी होता है ये पांचों लोग ये पांचों लोग अगर रीट के अंदर एप्लीकेशन दे रहे हैं फॉर फाइव से ज्यादा फाइव परसेंट उससे ज्यादा सेंट और मोर के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो इन्हें कहा जाता है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर बिकॉज ये लोगों की बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है फिर राइट right? उसके ऊपर तीन रूल आते हैं समझना ध्यान से क्या पहला रूल होल्डिंग बाय स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की होल्डिंग कितनी होनी चाहिए मिनिमम फाइव परसेंट इंडिव्यूजली नहीं सबके मिला के ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बीच में कि इंडिविजुअली इंडिव्यूजल नहीं सबके मिला के फाइव परसेंट कम से कम होल्डिंग होनी चाहिए मिनिमम एंड मैक्सिमम अलाउड है ट्वेंटी इन्वेस्टर तो कितना होल्ड कर सकते हैं रीट में मिनिमम फाइव मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव सर फाइव से कम होल्ड नहीं कर सकते क्या तो उनको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बोला नहीं जाएगा तो अगर वो फाइव से कम वन टू थ्री फोर होल्ड करें तो उनको इन्वेस्टर नहीं बोला जाता है स्ट्रेटिक इन्वेस्टर तब बोला जाता है वो मिनिमम फाइव मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट होल्ड कर सकते हैं ट्वेंटी फाइव से होल्ड नहीं कर सकते है. दूसरा लिमिट सुनना इससे आपको बिल्कुल आपका एंजल इन्वेस्टर याद आएगा फोकस करना चाहिए क्या लिख रहा हूं इश्यू प्राइस टू स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर इश्यू प्राइस टू स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर कैन नेवर बी लेस देन पब्लिक इश्यू प्राइस जिस प्रकार से हम वहां पे भी एंजल इन्वेस्टर के लिए पढ़ते हैं हमारा जो व्यक्ति उसके लिए आ, एंकर इन्वेस्टर सॉरी एंकर इन्वेस्टर के लिए पढ़ते हैं कि एंकर इन्वेस्टर को भी डिस्काउंट पे नहीं दे सकते उसी प्रकार से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को आप जिस प्राइस पे यूनिट दे रहे हो वो पब्लिक इश्यू प्राइस से कम नहीं हो सकता एंड लास्ट पॉइंट लॉक इन फॉर वन एटी तो ये तीन पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के बारे में एंड अगर ये तीन पॉइंट आपको पता है तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है और इन्वेस्टर भी यहां खत्म हो जाता है है अगर ये तीन आपको पता है, तो आभी खें। आभी खें। आभी खें। चलो एकदम अस्थि में तो ये हो जाता है आपका पार्ट बी तो आई थिंक जो फिफ्थ वाला चार्ट है ना उसमें कोई दम नहीं है फिफ्थ वाला चार्ट इज वेरी इजी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड देन कम स्ट्रेटिक इन्वेस्टर अब अगर मैं आता हूं मेरे फर्स्ट पेज पे तो मैंने कुछ इस तरह से कहा था कि आज मैं पांच चार्ट पढ़ाऊंगा उसमें आपके रीड के सारे क्रिटिकल चीजें कवर हो जाएगी फर्स्ट चार्ट वाज ऑफ स्ट्रक्चर याद कर पूरा स्ट्रक्चर याद रहना टेन पॉइंटर स्ट्रक्चर था हर एक को दिमाग में क्लियर होना चाहिए एकदम। रीट हो गया ट्रस्ट में स्पॉन्सर आ गया ट्रस्टी आ गया मैनेजर आ गया इन्होंने ऑफर डॉक्यूमेंट दे दिए उस व्यक्ति ने पैसे दे दिए हमने उसको यूनिट्स दे दिए हमें लोन चाहिए हमने लोन ले लिया हमने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ से इनकम आ गई हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अब इसमें मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स के डिटेल्स पढ़ाए थे जैसे कि जब हम ऑफर कर रहे हैं देखो सुनो स्पॉन्सर आया कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे उसके बाद में ट्रस्टी आया कोई पॉइंट नहीं है मैनेजर आय हाँ ऑफर डॉक्यूमेंट दिया कम से कम ढाई करोड़ का होना चाहिए वो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है कम से कम पचास के लिए अप्लाई करेगा ठीक है फिर उसको यूनिट्स वगैरह दी यूनिट होल्डर बन गया हम लोन लेने जा रहे हैं फोर्टी की लिमिट ट्वेंटी की लिमिट क्लियर है कि मैक्सिमम फोर्ट नाइन रियल रिलेड अस्ट आप लोन ले सकते हैं और ट्वेंटी परसेंट ज्यादा के लिए आपको यूनिट होल्डर का अप्रूव लेना होगा क्रेडिड लेनी होगी क्लियर है फिर जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो एट्टी ट्वेंटी का रूल है वो तो बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया हमने शायद दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा उसके बाद में जब हम इनकम आती है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो नाइन्टी परसेंट का रूल है कि कम से कम नाइन्टी परसेंट जो भी इनकम है वो तो आपको हाफ एल्डी बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट देनी है आप क्वार्टरली करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन आप हाफ एल्डी से ज्यादा खींच नहीं सकते स्ट्रक्चर फिर आया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बहुत ईजी था कि ये जो हमारा स्पॉन्स है उसकी रिक्वायरमेंट ये ट्रस्टी है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए ये मैनेजर है उसकी रिक्वायरमेंट फिर इन्वेस्टमेंट कंडीशन आई हो बहुत खास है याद रखना चार लिमिट्स पता होनी चाहिए आपको पहली लिमिट हो गई रीट का एटी ट्वेंटी रूल फिर एसपीवी का एट्टी परसेंट से रूल एसपीवी का फिफ्टी परसेंट शेयर का रूल और होल्डो का फिफ्टी परसेंट शेयर का रूल अगर ये चारों लिमिट पता है तो बात खत्म हो जाती है फिर यूनिट्स का एक पूरा चार्ट आता है इसमें सब कुछ कवर आता है फिर चार्ट फाइव में एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि सारी जो भी इंपॉर्टेंट इफॉर्मेशन है जो भी रीड के फंक्शनिंग को लेकर वो आपको डिस्क्लोज करनी है उसके कुछ एग्जाम्पल दिए प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है रीट uh, रेगुलेशन बोलो सेबी बोलो कोई भी एक्ट की जो भी डिस्कलोजर देनी है हाफ एयरली रिपोर्ट देनी होती विदिन फोर्टी फाइव डेज और ईयरली रिपोर्ट देनी होती विदिन थ्री मंथ्स क्लियर हो, हो गई बात और लास्ट में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर पढ़ा कि वो जो पांच लोग हैं इनमें से कोई भी अगर ट्रस्ट के अंदर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्र इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर फाइव परसेंट ज्यादा के लिए एप्लीकेशन देता है उनको हम स्ट्रेटिक इन्वेस्टर बोलते हैं तीन लिमिट है होल्डिंग मिनिमम फाइव परसेंट मैक्सिम ट्वेंटी फाइव परसेंट

मेरा मेरी तरफ से मैं कर सकता था जिससे कि आपको क्रिटिकल आस्पेक्ट इजी हो जाएंगे वो सब तो आपका कवर हो जाएगा लेकिन यू कैन नॉट यू कैन नेवर यू कैन नेवर जस्ट बिलीव कि मैं बैठ लिया मैंने सर की बात सुन ली बस अब मैं फोर्ड देगा एग्जाम है नहीं 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 बेटा जी मेहनत आपने करनी होगी अभी क्लियर चलो सो दैन बी ऑल फॉर दिस सेशन हाँ अब आपसे मेरी <coughs> क्या आ, कहना है मेरा आपको सबसे पहली चीज तो आई कैन आई जस्ट सॉ यहाँ पे इट बर्थडे शिल्पा हैप्पी बर्थडे शिल्पा ओके okay? अब सुनो मेरी बात को अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है देखो कैसा है दैट आपने एक चीज करनी है आपने कल ईमानदारी से ईमानदारी से ईमानदारी से ईमानदारी से रुको एक मिनट के लिए कमेंट कुछ नहीं देंगे मेरी बात को अच्छे समझो आपने कल सुबह उठ के या जो रात को पढ़ते रात को ईमानदारी से अपना पूरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पढ़ लेना पूरा का पूरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं मॉड्यूल से आप मेरे नोट से पढ़ रहे हैं नोट जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पूरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आप पढ़ लोगे ये जो नोट्स मेरे ना लिखे हुए लेक्चर कंप्लीट होने के थोड़ी देर में सारे ग्रुप्स पे आ जाएंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है ठीक है फिर आपने क्या करना है आपको कोई भी डाउट आता है बिकॉज जैसे कि मैं डाउट नहीं ले पाया बीच में भी आपको कोई भी डाउट आता है आप क्या करेंगे उस डाउट को आप इसी वीडियो के अब ये वीडियो तो प्राइवेट हो जाएगा चलो रुको मैं कुछ और जुगाड़ करता हूं मैं आपके लिए आ, मेरे इंटेंशन क्या है कि आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट करें राइट जो भी आपका क्वेरी आता है सो दैट बाकी सारे स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं तो कोई भी आपके अगर क्वेरी को आंसर कर सकता है तो आंसर कर सकता है उस तरह से ये एक पढ़ाई हो सकती है आप सबकी आपस में राइट right? एंड जहां पर आप लोग गलत जाएंगे मैं तो हूं सही तो उसके लिए मैं आपके लिए एक जुगाड़ करता हूं अभी उसके लिए रुक जाते हैं बिकॉज दिस वीडियो यार आई टेल यू एम रियली सॉरी बट दिस वीडियो विल बिकम प्राइवेट फॉर आफ्टर वाइल आफ्टर वाइल वेल मैं हाफ एन आवर रहने देता हूं बोली हाफ एन आवर के बाद में वीडियो प्राइवेट हो जाएगा बिकॉज एल टेल यू पहले भी आपके लिए देखो यार मेरे लिए तो देर इज नो लॉस एन कीपिंग इट पब्लिक बट द बिगेस्ट डीमेरिट वैट आधे बच सच में आप लोग कुछ एंड पे प्रोफेशनल में आने के बाद भी आप लोग गिर चलो बाद में कर लेंगे बाद का ऑप्शन मिलता है तो आप उस चीज को कभी नहीं करते हो रियली सॉरी फॉर बींगट हार्श वोट आई हैव टू डू इट ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर यूर लव एंड अब आप कुछ भी अगर अच्छी चीज कहना चाहते तो कह दीजिए ऑफकोर्स दिस इज समिंग लवली फॉर मी आप चाहें तो वंस दिस

With the next lecture. Up till then, keep studying and keep working hard. Okay? Thank you so much. Thank you so much. Okay, Shruti, I'll work on it. I'll work on it. Okay? Okay, people, keep working hard, keep studying, and uh, make me proud, make your parents proud. Okay? Thank you so much, people. Tada, I'll see you all well tomorrow. Bye bye. Thank you so much, people. Thank you so much. Like कुछ ना कुछ करना चाहता हूं आपके लिए ठीक है तो आप चिंता मत करो खुशनू यी yes, कोई नुकसान नहीं है थैंक यू सो मच एवरी तो कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप स्टार्टिंग बाय बायस नदीन दैर ऑल्सो मेक सेंस Okay. Nine straight, Don't worry. Don't worry. Everything is there in the notes. Okay. Thank you so much for your love. Thank you so much. And that will be all for the session. Keep studying and keep working hard.